ये है हिंदुस्तान का एक छोटा सा सुंदर गांव नवरंगपुर, और इस गांव के इस छोटे से घर में रहते हैं कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी और उनका बेटा अभिमन्यु, एक हंसता खेलता परिवार। कृष्णमूर्ति गांव के हाई स्कूल में हेडमास्टर हैं। जहां बाकी बच्चों के साथ पढ़ता है उनका बेटा नटखट अभिमन्यु। हेडमास्टर साहब से गांव में सब लोग बहुत प्यार करते हैं, पर उनका बेटा उनसे बहुत डरता है कि कहीं कम मार्क्स आने पर हेडमास्टर साहब नाराज ना हो जाए। तभी तो वो 10वीं में पूरे गांव में फर्स्ट आया और मम्मी पापा के साथ फोटो खिंचाई, और कॉलेज जाने के बाद तो जैसे उसके पर ही निकल आए। थिएटर में जाके फिल्में देखना, जोर जोर से चिल्लाना और दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना। 5 साल यूं ही मस्ती में गुजर गए और ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट हो गया। फिर से मम्मी पापा के साथ फोटो खिंचाई। पढ़ाई के बाद अभिमन्यु खेतों में हेडमास्टर साहब का हाथ बटाने लगा, पर जो हीरोपंती कॉलेज में शुरू हुई थी वो कहां खत्म होने वाली थी। फिल्में देखना, हीरो की तरह एक्शन करना, नाचना गाना और किसी लड़की के लिए विलन की धुलाई करना, बिल्कुल फिल्मी लाइफ। पर वो कहते हैं ना, गांव बसने से पहले ही लुटेरे आ जाते हैं। ठीक वैसे ही मोहल्ले वाले अभिमन्यु की शिकायत लेकर लक्ष्मी के पास पहुँच गए, और लक्ष्मी ने कहा, अभिमन्यु अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और चुपचाप शहर निकल जा। तो अभिमन्यु पहुंच गया शहर और कड़ी मेहनत करके बिजनेस की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया। सर वो एडवांस चाहिए था। अबे चंपक, सुबह सुबह पनौती मत लगाया कर, समझा तू? ऑफिस में बात करना। सर 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 एक सवाल, सर 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 प्लीज सर, प्लीज मुझे ये सब पसंद नहीं। बधाई हो सर। मुझे दीजिए। पकार। जब से आपने एमएलए रंग रंगीली को रंगे हाथों पकड़ा है सर, तब से वो आप पर लट्टू हो गई है। कुछ कहना चाहेंगे सर? ये सवाल अकेले में पूछना चाहिए था। सॉरी सर। नेक्स्ट। सर मुझे झुमरी तलैया के ललन पहलवान ने भेजा है, वो आपको पुरस्कार देंगे। ये सारे फिल्मी पुरस्कार बाजार में चवन्नी के भाव बिकते हैं। नेक्स्ट। सर आपका अगला ऑपरेशन क्या है? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड होते व्हाट्सएप कर देंगे। नेक्स्ट। आप रिस्की ऑपरेशन क्यों करते हैं? रिस्क नहीं तो मजा क्या है सर? अगर आपको बस बस महिलाओं को भी सवाल पूछने दो, जानते हो ना, लेडीज फर्स्ट। बोलिए सर, आप आज के यूथ को कोई संदेश देना चाहते हैं? आज की यूथ इंटेलिजेंट है, उन्हें सलाह की जरूरत नहीं है। जवानी में मजे करो, खाओ पियो ऐश करो। बता सकते हैं आपका ऑपरेशन और कितने दिनों तक चलेगा? जब तक इस देश में अन्याय है, हम अन्याय को जड़ से उखाड़ देंगे इस देश से। जब तक इस देश में भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, दंगे फसाद है, कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या कर रहे हैं सर, रोज बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते रहते हो, कभी कभार मेहनत कर लिया करो। सपने में एक ग्लैमर मॉडल मेरे साथ बीच पर हाथ में हाथ डालकर गुटरगू कर रही थी। तेरे साथ ऐसा हुआ है कभी? एक बार भी ऐसा सपना देखा है? तो मेरे सपने में जबरदस्ती टांग क्यों घुसा रहा है? सॉरी सर। सॉरी कहने से मॉडल वापस आएगी? दोबारा मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है सर। और सुन, आज का बिल भी तू ही भरेगा। पेट पे लात मत मारी सर। चाय पिला। निकाल। क्या बे, कुछ भूल गया? एमडी सर आपको बुला रहे हैं। बोल दे चाय पी के आ रहे हैं। ठीक है। जी सर। टाइम क्या हुआ है? तुझे कितनी बार कहा है उस घड़ी की बैटरी बदल दे? ब्रेकफास्ट के टाइम में घड़ी हमेशा लंच टाइम दिखाती है सर को। अभी तो 10 ही बजे हैं सर। घड़ी भी ठीक है और बैटरी भी ठीक है, तुम बस ये बताओ कि ऑफिस में टाइम पर क्यों नहीं आते हो? ऑफिस में लेट क्यों आए हो? आप जल्दी आते हैं ना काम करने, और वैसे भी सर जल्दी आकर हम कौन सा तीर मार लेंगे। क्या कहा? मत भूलो कि तुम्हारे पापा मेरे गुरु थे, इसलिए पिछले 4 साल से तुमको झेल रहे हैं। और ये भी मत भूलो कि जिस चैनल के लिए तुम रिपोर्टिंग का काम करते हो, उसी की तनख्वाह से तुम्हारा घर चलता है। ले देकर तुम जितना काम करते हो, हम उससे कहीं ज्यादा तुमको पगार देते हैं। कितना? सब मिलाकर 12,500। कामवाली का उससे ज्यादा पगार। तेरे घर पे कामवाली का खामोश। परसों ही कामवाली को निकाल दिया, दूसरी जगह से ऑफर आ रहा है 50,000। तो जाते क्यों नहीं? नहीं जाएंगे। क्यों? इंटरव्यू इंग्लिश में लेते हैं। तुम्हारी वजह से स्टाफ ढंग से काम नहीं कर रहा है। बोल तो ऐसे रहे जैसे हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेरी सुनते तो कंपनी ही छोड़ देते, सबका अपना सैटेलाइट चैनल होता।
अब समझे मेरी काबिलियत? तो 50,000 फिक्स समझे हम? हाँ बस देखते रहिए, एक दिन हम अपने नाम का चैनल खोलेंगे। मेरी कंपनी की रिपोर्टर्स A1 क्लास की खूबसूरत मॉडल्स होंगी। मॉडल से रिपोर्टिंग करवाओगे? पैसे कहाँ से लाओगे? आप देंगे। कितनी बेचेगा? हम लोन लेंगे। आप देंगे ना सर? लोन की बात तो भूल जाओ, कहीं खाने के लाले ना पड़ जाए। लोन दे या ना दे, ये बात पक्की है कि आपके दिए हुए तुच्छ पगार से हमारे पेट की भूख ज्यादा बड़ी है। अभिमन्यु चल भाग यार, इन सबसे टीआरपी नहीं मिलेगी। सर वो लोग आए दिन दंगे करते हैं, मर्डर करते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं, ऐसे भेड़ियों को बेनकाब करेंगे तो हमारे न्यूज चैनल का बहुत नाम होगा सर। जब जान ही नहीं रहेगी तो नाम को लेकर चाटोगे? इस पचड़े में ना ही पड़ो तो बेहतर है। ओके चलते हैं। ये डिजाइन कैसा है यार? अरे ये डिजाइन तेरे सड़े हुए चेहरे की तरह है। मेरा चेहरा सड़ा हुआ नहीं है, तो इसको अपलोड कर। टाइम नहीं है, आज चाय नहीं कॉफी मंगवाते हैं। अरे एमडी आ रहा है भाई। ससुरा 10 घंटे भी आराम नहीं करने देता है ऑफिस में। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम काम कर रहे हो? कुछ चेक करना है सर। अरे नहीं नहीं। बेटा अभिमन्यु, तुम पगार बढ़ाने की बात कर रहे थे ना? डबल हो जाए तो कैसा रहेगा? मलाई मिल रही है मतलब लोचा है। डायरेक्ट मुद्दे पे आइए ना, ओवरटाइम करना है। अभिमन्यु तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता है? जो आदमी पगार काटने की बात करे वो पगार बढ़ाए तो लोचा लगता है। मैं आपका नेचर जानता हूँ। नहीं जानते, मुझे एक प्रोड्यूसर मिला है। उसने 2 हफ्ते में एक फिल्म बनाई है। वो फिल्म को सुपर हिट करवाना चाहता है, इसलिए वो कल से तुम्हारे साथ 2 घंटे लाइव प्रमोशन करेगा। मैं फिल्म बनाया? हाँ। सुपर हिट करवानी है? हाँ। जरा उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। ए बांगड़ू, जोंच बंद रखना। चल हाय। नमस्ते। माय नेम इज चंपा, निक नेम चंपू। एमडी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। यानी गधे को भी पता चल गया। गुड फेलो। मूवी देखा? फ्री नहीं है ना? टिकट नहीं मिला? हम फ्री नहीं है सर, थिएटर में तो 1 पे 10 का ऑफर चल रहा है। क्या? मूवी देखने के लिए पकड़ पकड़ कर थिएटर में लेके जा रहे हैं। शट अप, क्या बात कर रहे हो? मेरी मूवी के लिए लोग तरसते हैं। देखना मेरी सुपर हिट फिल्म को ऑस्कर नहीं तो कम से कम बड़ा वाला भास्कर जरूर मिलेगा। गली गली में चर्चे होंगे, फिर तुम जैसे लोग ऑटोग्राफ के लिए मेरे आगे पीछे दुम हिलाएंगे। तुमने क्या कसम खा रखी है कि चैनल का बेड़ा गरक करके रहोगे? अभिमन्यु चलो चलो जाओ। ठीक है सर। आप आइए सर। सुनो, किसी अच्छे नमूने को क्यों नहीं रखते? पगार दीजिए, रख लेंगे सर। ठीक है ओके। अबे ओ बांगड़ू बैठ जा। अबे बैठ जा ना, जरा इधर आ, तुझे भी मौका मिलेगा, फिर बैठ के चौका मारना। तब तक पेविलियन में जा। कैमरा रोलिंग। क्या बात है। व्हाई नॉट। 1, 2, 3, क्वाइट साइलेंस। तो तू क्यों चिल्ला रहा है भाई? बस रे। कैमरा एक्शन गो। सक्सेस का दूसरा नाम उन्नति का पहला नाम। द यंग टैलेंटेड प्रोड्यूसर प्रकाश राव आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। आज इन्हें मिलेगा झटका। सॉरी सर, तो आज आप लोग इन्हें डायरेक्ट कॉल करके कीजिए अपने दिल की बात। हमारे चैनल का नंबर है 0402355333। सर, आपकी कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ है? अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसके पीछे मेरी काम वाली बाई का हाथ है। इट्स नेचुरल। क्या बात है। अच्छा तो ये बताइए कि आपका फेवरेट फूल कौन सा? गोभी का फूल। फूलों के पीछे भवरे की तरह भागने वाले, इनको कोई नहीं रोक सकता। फोन। सॉरी सर। हेलो। हेलो जी। तो बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं? आपका नाम क्या है? आपके घर में टीवी है क्या? इंटरव्यू मेरा है, अपना सवाल पूछिए। वाओ सर, आप काफी एक्साइटेड लग रही है। हाँ, हाँ बोलिए। फिल्म देखी आपने? हाँ, देख ली। एक बार फिर देखिए। नहीं सर, मैं फिर से नहीं देख सकती। तो क्यों, खाना तो रोज खाती है ना, तो फिल्म क्यों नहीं? थिएटर में भी फिल्म अकेला ही देखेगा। सर एक बार मैंने देख ली है, दूसरी बार नहीं झेल सकती। नाजुक कली लगती है। हाँ सर। ठीक है, अगर तुम नहीं झेल सकती कोई बात नहीं, फ्री टिकट पड़ोसी को दे देना, झेल लेंगे। हाँ ठीक है। ओके बाय। देखा मेरी मूवी का टेरर, और चिरकुटों का कहना है कि मेरी फिल्म असर ही नहीं करती। अरे इसकी तो बिरजू, इसकी प्रोड्यूसर है, कुछ भी बोलेगा। सर एक छोटा सा सवाल। पूछो। आपको कहानी का बहुत अच्छा जजमेंट है, ऐसा लोग कहते हैं। आपने तो अब तक बहुत सारी फिल्म्स बनाई होंगी, तो एक कहानी लिखने के बाद आप उसे लोगों के दिलों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले स्टोरी गले से तो नीचे उतरे, बाबा रे। बाद में दिल दिमाग तक पहुंची जाएगी। दिमाग है क्या? वाकई आपकी बात में दम है। दिन दहाड़े फेंक रहा है। अरे बाप रे, इस फटीचर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिरजू मेरे कहने से पहले लाइन कट की तो घुसेड़ दूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? अरे तू मुंह बंद करके यहाँ काम कर। अरे पर चंपा उठ जा, चैटिंग कर रही हो? हाँ। क्या बात है, शादी के लिए एकदम तैयार हो? जाओ कोपचे में जाकर चैटिंग करो। रास्ता सा। शिल्पी नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल।
सर से बात करने के लिए कॉल किया आपने? नहीं, आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है ये जानने के लिए। गुड जोक। क्या बात है, मेरा लल्लन टॉप फैन तो लगता है। बात कीजिए ना। बेटा कितनी बार फिल्म देखा? ऐसी बकवास मूवी कौन देखेगा। क्या वे झंडू, अब तक कितनी फिल्में बनाई है? पूरे छह। सिर्फ छह? 40 साल चप्पलें घिसवाने के बाद तूने सी ग्रेड की 6 फिल्में बनवाई और खुद को 30 मार खा समझता है? दुनिया को चूना लगाता है कि ब्लॉकबस्टर मूवी है? तेरी सारी फिल्में सुपर फ्लॉप है। और फिल्म के पोस्टर में पिचके हुए थोबड़े की फोटो काहे लगाते हो? हाय, एकदम चूसा हुआ आम लगते हो। आधा पैर कबर में, अब तो सुधर जा गधे की तुम। पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। क्या रे, तू प्रोड्यूसर है कि एंकर है? हर रोज टीवी पर आकर पब्लिक को बोर क्यों करता है? अरे ये तो मेरी नौकरी खाएगा। आइंदा ऐसी बकवास फिल्म प्रोड्यूस करके लोगों को बम्पर हिट है सुपर हिट है बोलकर पकाया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या रे, हसन देके घूर रहा है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपने मुँह से। पके खरबूजे, खूबसूरत लड़की को फोन दे, चल निकल वहाँ से, उठ जा। काम हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, जाने दो भाई। इतना डोज काफी है, बांगड़ू गाड़ी निकाल सर, और नहीं झेल पाएंगे। अच्छा सबक सिखाया बेटा, ऐसे नमूनों का यही इलाज होता है। बेटा। हेलो हेलो, अभी मनु क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहा बेटा? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। एक हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाइए ना। ठीक है, आऊंगा, पक्का आऊंगा बेटा। जी पापा। वॉक ठीक से कर रहे हैं ना? रोज 1 घंटा पूरा जम के। दवाई लेना भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा बाबा। और अगर कुछ पैसे चाहिए? ये हूर परी कहां से टपक पड़ी? प्लीज। क्या बात है, इसके बालों की खुशबू से रोम रोम बहक उठा, हम धन्य हो गए। हमेशा मेरी बाहों में एक तकिया होता था, लेकिन आज एक हुस्न परी। प्लीज मुझे बचा लो। कुछ चूहों को भगाना है, कितना टाइम लगेगा? 4.5 मिनट। ठीक है, भगा के फोन कर। प्लीज मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। ए जाकर उसे लेकर। डरने का नहीं, नारी रक्षा के लिए मेरे हाथ और मेरी टांगे हमेशा तत्पर रहती है। अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? अपन का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद तू खुद का इंट्रोडक्शन भी भूल जाएगा। अपनी खोपड़ी अपने बस में नहीं है, टांग जिस पर पड़े वो मुर्दा जमीन में खड़े। 440 वोल्ट का झटका, जो भी छुए उसका गुर्दा हलक में अटका। चलो नाइट वॉक करते हैं, आओ ना। चलो चलो। व्हाट इज योर नेम? पीछे देखो। अरे वो सब छोड़ो, अपना नाम बता। अंजलि। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो वरना मैं तो बहुत डर गई थी। संभल के। लव शो का चक्कर है क्या? मतलब प्यार हुआ है क्या, एंगेजमेंट हुई है क्या, शादी वादी तो नहीं हुई? ऐसे देख रही हो, मतलब सिंगल हो टकले? इससे शादी हुई तो तुझको भी मैं इनविटेशन कार्ड भेजूंगा। जा टकले, जी ले अपनी जिंदगी। आजकल अच्छी जोड़ी बनना कोई मामूली बात नहीं है, आओ वॉक एंड टॉक करें। अरे ये ले निकाल। क्या? फोटो निकाल। अबे कहीं जाके नहीं? थोड़ा हिल गया भाई। कैसा है रे? बहुत दर्द हो रहा है। तेरी बात नहीं, हमारी फोटो की बात कर रहा हूँ। एक नंबर है भाई। अरे फोटो तो बहुत बढ़िया आई है, चलो। खाली पॉकेट पंगा मत ले, इस गैंग का लीडर तू ही है ना, उस लौंडिया को इधर भेज। अबे बुड़बक, औरतों से तमीज से बात करनी चाहिए। लौंडिया बोलकर उनकी तौहीन मत कर। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? क्या रे, तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो, एक साथ आओ ना। अबे बॉस को तो लेते जाओ। चलिए। एकदम मस्क कली लग रही है। सुनो अंजलि, चलोगे कहाँ?
रास्ते में बता देंगे। अरे अंजलि, नंबर देना भूल गई। मैं क्यों दूं? तो मेरा ले लो। वो क्यों? सिंपल, घर जाकर फोन करोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। कोई जरूरत नहीं, आप चलिए। अंजलि जी, मेरे पास बैंक बैलेंस है, एटीएम कार्ड है, गाड़ी है। अंजलि कहाँ चली? मेरी अर्धांगिनी मुझको मिल चुकी है, पापा को बता देता हूँ। हाँ बेटा, भगा दिया चूहों को। पापा जी, आपकी बहू का नाम है अंजलि। अंजलि वेद अभिमन्यु, वाह A1 जोड़ी है। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे पर ये तो बता, तुझे मिली कहाँ? इंट्रोडक्शन हो गया, बस बायोडेटा बाकी है। मान तो जाएगी ना? तनिक मुश्किल है, बट हम है ना आपके बेटे अभिमन्यु, सन ऑफ कृष्णमूर्ति। That's like my son. पापा, नया कोट सिलवा लीजिए। अरे हाँ, मेरे बारे में नहीं पूछा ना? हाँ हाँ, पूछा पूछा। झूठ मत बोलिए, माँ तो उसे याद ही नहीं रहती। हंसी आ रही है, आप जानते हैं मेरे दिल पर क्या गुजरती है? बेटे माँ से प्यार करते, पर यहाँ तो उल्टा ही है। अरे देखो बाबा, कौन आया है? बिल्लू बिलोरिया, जिसके डर से अखा शेर कांपता है। बैठो बैठो बाबा। अबे नागराज, तेरे को सांप सुंगे लाके, अबे हंसना। मेरी बात सुन बाबा, ये दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, आपस में मिलके दोनों कुटुरकु कर लो, नहीं तो तुम दोनों के झगड़े में कोई तीसरा मुंह मार के चला जाएगा। क्या बोलता है नागराज? अरे अपनी टर टर बंद कर, 40 साल हो गए इस शहर पर हमको राज करते करते, हमको मत सिखाओ यहाँ हमारा कैसा दबदबा है। तुम तो जानते हो, तुम्हारे जैसे कितने घटिया लोगों को कारपोरेटर बनाया है, एमएलए बनाकर असेंबली में भेजे हैं, और इस लौंडे का बाप हमारे बचपन का लंगोटिया यार था। हम दोनों की दोस्ती की आज भी लोग मिसाल देते हैं। अब समय का फेर था, इसका बाप मर गया, और जब से ये लड़का आया है हमारी इससे नहीं पटती, इसलिए अब हम अलग हो रहे हैं, अपना अपना धंधा खुद संभालेंगे। और एक बात बता देते हैं, आज के बाद हमारे धंधे में इस लड़के ने किसी भी तरह की उंगली की तो हम उंगली काट के रख देंगे, ये हमारा फुल एंड फाइनल है। देख भाई, तुम दोनों अपुन का फैमिली माफिक है। तू भी ना नागराज, खाली फोकट इसकी बात का बुरा क्यों मानता है? बिल्लू जो बोलता है उसको मान जाना, ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे, नहीं तो सारे गैंग वाले मारे जाएंगे। तो मरने दो ना, तुम क्या चाहते हो हम इस लौंडे के तलवे चाटे? हमसे नहीं होगा, सुन लो, हमारी जुबान पत्थर की लकीर है, नो चेंज। ठीक है, जो करना है कर, ना ये सुन रहा है ना तू मेरी बात सुन रहा है, अभी तुम दोनों को जो फैसला करने का है कर लो, बोले तो मैटर खलास। गोली मार दिया रे बिल्लू। मेरा भेजा मक्खन का अगर सटक गई ना अपुन की, तो इसको इधर ही ठोक डालेगा। इस पूरे शहर का ना किंग है अपुन, अगर मेरे बाप का दोस्त नहीं होता ना तो यही तेरा क्रिया कर्म कर देता। बार बार बकरे की माँ खैर नहीं मनाती, और एक बात याद रख, अपुन की हटी तो दुर्घटना घटी। पंगा मत ले, इज्जत से धंधा कर, यहाँ वहाँ मुंह मत मार, नहीं तो कब्र खोद दूंगा। और क्या रे तू फटे ढोल, याद रख एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बिल्लू बिलोरिया ने बोल दिया तो बात खत्म, गेम ओवर। क्या समझा तू? इस शहर पर आप उनके अलावा और कोई राज नहीं कर सकता, जो आएगा खलास। गोली मार दिया बिल्लू, अबे बचपन में तेरे को कंधे में बिठा के कितना घुमाया। जानता है जब ये सुसु पोटी किया करता ना, तब उसकी पोटी मैं ही साफ करता था। जितने की मुर्गी नहीं है उतने का मसाला डाल दिया है चैनल में, चैनल नहीं उठा तो हम सब उड़ जाएंगे। उठा लूंगा सर, पहले मैं यही काम करता था। बिरजू, सुपारी गैंग के तगड़ू को जाकर ले आ। जी सर। क्या है ये, अर्थी उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल की तरक्की की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। अपने चैनल को नंबर वन बनाने के लिए हमने क्रिएटिव हेड अपॉइंट किया है। क्रिएटिव हेड? यस, क्रिएटिव जीनियस प्रभाकर, जानते हो वो फ्लॉप चैनल को भी हिट कर देता है, भरोसा है मुझे। क्रिएटिव हेड के साथ नया बॉस भी रख लीजिए सर। इंसान दो तरह के होते हैं, डरने वाले और डराने वाले। वो कहावत सुनिए, जो डर गया वो मर गया, जो नहीं डरा वो जल्दी मरा। हम अलग हैं। इसको लगता है ये ज्यादा दिन टिकेगा, पर कुछ ही दिनों में इसको आउट कर देंगे। What is this? ये लंगूर की तरह क्यों हंस रहे हो? मेरा तरीका पसंद नहीं आया क्या? इससे पहले जिस चैनल में मैंने काम किया था ना, वो यहाँ पर था, और हमने उसको वहाँ इतना ऊपर पहुँचा दिया कि नीचे आने के लिए तरस गया। आपके चैनल को भी पहुँचा देंगे।
बॉस को तो अभी से भेखमंगा बना दिया। एकदम बुड़बक है। सॉरी सर। पत्रकारिता क्या होती है आप ही बताइए। बिना बटन का स्पीकर, चिल्ला चिल्ला के कान चबा जाओ। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पत्रकारिता का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होता। ये एक जिम्मेदारी है जनता के प्रति, देश के प्रति। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं। पत्रकारिता वो जरिया है जिससे देश के अन्याय को मिटाया जा सकता है, भ्रष्टाचार को हटाया जा सकता है, गुंडागर्दी, रिश्वतखोरी, दंगे फसाद करने वाले क्रिमिनल्स, इन्हें सबक सिखाना ही पत्रकारिता है। इस झंडो की तो बोलती बंद हो गई। बिल्कुल सही बोला। हम सब यही देखने आए थे कि तुम सब में चतुरी लाल कौन है। वो कौन है जिसमें होशियारी का कीड़ा कुल बुला रहा है, कूट कूट के बाहर निकालेंगे। एनी डाउट्स? अंदर कुछ होगा तो ही बाहर नजर आएगा। बड़बड़ कर रहे हो। कुछ नहीं सर। मुझसे ओवर स्मार्ट बन रहे हो। लेट अस गो एंड फॉलो द लीडर, कम ऑन। और एक बात, तुम सब 6 बजे तक हमारे वर्कर हो। और 6 बजे के बाद गुलाम। आप आ गए हैं तो चैनल की टीआरपी बढ़ा दीजिए ना। अभी कितनी है? यही कोई 1-1.5 होगी सर। 2.5 किलो बढ़ा दें तो कैसा रहेगा? ये लो, पी लो। सर रेटिंग किलो में नहीं जानता मिलती। पहले ठेला लगाता था, अबे तेरे जो मुंह में आता है बोल देता। स्टाफ की जवान लंबी हो गई है, काटनी पड़ेगी। ओके वो सब बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं, आज मिडनाइट से नया प्रोग्राम प्लान करते हैं। उसका नाम होगा फड़कती जवानी। ये कैसा नाम है? क्यों, जवानी फड़फड़ा नहीं सकती? अरे समझ ना। ओ, 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 ओ। सर ट्रेलर काटता हूँ ना, खचा खच। ऐसे प्रोग्राम के लिए ट्रेलर की क्या जरूरत? माउथ पब्लिसिटी। आज एक इंसान देखेगा तो अगले दिन पूरे शहर को पता चल जाएगा। Am I right, sir? दिखने में तो बुड़बक लगते हो लेकिन होशियार हो। 50% इसकी तरह है। दिमाग वाला नहीं, बेवकूफ। ए चपड़गंजू, देख क्या रहा है? अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ा और चैनल का टीआरपी बढ़ाने का तरकीब सोच। कैसा लग रहा है? देख के हिले 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 जा रहे हो ना। एक पैक बना रहे? और नहीं पी सकता साहब। एक चिरकुट मेरे लिए बना। उस फाइल में हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ सारे सबूत हैं। अगर किसी भी तरह उसने वो फाइल होम मिनिस्टर तक पहुंचा दी तो हम बच नहीं पाएंगे। वो फाइल होम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले महीने हर राज्य में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ओ सीन साहब है। क्या रे बाबूलाल, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ। तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अरे आप हुकुम तो कीजिए। कोई चंदू नाम का बंदा है, वो यहीं रहता है। उसके पास एक मोटी सी फाइल है। उस फाइल में मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के कई लोगों का काला चिट्ठा है। अगर गलती से भी वो फाइल होम मिनिस्टर तक पहुंच गई ना तो पहले मेरी मिनिस्टर की कुर्सी जाएगी, और अगर मेरी कुर्सी गई तो मैं तुम सबको ले डूबूंगा। जो करना है जल्दी कर, बस वो फाइल नहीं पहुंचनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, अब अपुन सब संभाल लेगा। उसको टपकाना है ना? इस काम के लिए अपुन के पास एक सॉलिड बंदा है। अब तक कितनों को टपका चुका है। अरे वो लोचा कर देगा बाबूलाल। क्या साहब कैसी बातें कर रहे हो, मुझ पे भरोसा नहीं है? आप ना बस माल तैयार रखना, काम हो जाएगा। ठीक है ना? नमस्कार। एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, यही है अपना धंधा। हाय, क्या चाहिए? कनेक्शन चाहिए। क्या? मेरा मतलब है नेटवर्क कनेक्शन। हाँ तो गैलरी में जाओ। तो क्या मैंने औरतों को बचाने का ठेका लिया है? मैंने बचाया ना। बोलो। कभी कभी अपनों के लिए करना पड़ता है। ठीक है तो एक काम करो, फ्रंट ऑफिस जाओ, वहाँ पर अपनी 2 फोटोज और एक आईडी प्रूफ दे दो। वो मुझको नहीं पता, हम तुमको जानते हैं, तुमको ही करना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई? किस्मत बस एक ही बार दरवाजे तक आती है, और तुम जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे ठोकते रहेंगे। समझ में नहीं आया? हम फोन कनेक्शन के लिए नहीं आए, अपना कनेक्शन जोड़ने आए। अपना कनेक्शन मतलब? लुची 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 लुची, क्या एक्टिंग कर रहे हो? सब जानते हुए भी एक्टिंग करती है। ज्यादा होशियारी नहीं समझे? सिक्योरिटी। क्या लफड़ा चल रहा है? सीधे खड़े रहो, ये तुम्हारा घर नहीं है समझे। सुनो बड़े साहब, ड्यूटी खत्म करके घर जाते वक्त अगर कोई अनजान आदमी तुझको टपाटप 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 टपली मारेगा तो क्या करेगा बोल? ए 100 नंबर पर फोन करेगा, बी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करेगा, या सी अपने सर पर बैंडेज लगाएगा? बता क्या करेगा? डी मैं जॉब ही नहीं करूंगा। धमका रहे हो क्या?
ये झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। आपने उस सिक्योरिटी वाले को बुलाकर हमें धमकाया। हम कनेक्शन के लिए आए थे। पिक्चर चलो, पानी पूरी खाते हैं। आपसे कहा कि चलो शॉपिंग चलते हैं। मेरा दिल नहीं लग रहा था, आपको एक नजर देखना था इसलिए आपको देखने चले आए। अरे याद करो चांदनी रात जब हमारी बाहों में डाल दिया था हाथ। हमने कुछ नहीं कहा था। अरे कोई तो सपोर्ट करो भाई। एक अपला मत पर बैठते हैं। बोलो क्या लेने आए हो। कुंडली। कुंडली? हम दोनों के कितने गुण मिलते हैं ये देखना जरूरी है। पापा ने कुंडली मंगवाई है। अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप निकलो यहाँ से। इंसल्ट? अंजलि जी हमारी भी सेल्फ सस्पेक्ट है। सस्पेक्ट नहीं रिस्पेक्ट। हाँ हाँ जो भी है उसी की बात कर रहे हैं। तुम्हें इतनी है तो हमें भी बहुत है। आपके साथ शादी के सपने सजा रहे थे, अब हमने इरादा बदल लिया है। आज के जमाने में मेरे जैसा समझदार पति नहीं मिलेगा। तुम्हारी हाँ सुनने के लिए मैं फिर आऊंगा। तो मेरे जाने के नाम से दिल में कुछ कुछ हुआ तो ये ड्रामा छोड़ो और जल्दी से हाँ बोलो। बैंड बाजा लेकर आएंगे, रानी बनाकर रखेगा तुमको ही राजा। कनेक्शन कर दो 5G। छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषेति मारुतः। जजमान इसके साथ ही पिंडदान की विधि संपन्न हुई। जजमान पितृ पक्ष में पितरों की आत्माएं हमारे आसपास ही घूमती रहती हैं। इस माह में मन कर्म वचन से हिंसा से दूर रहिएगा। और अगर किसी को जान से मारना हो तो? काश मैं भी भाई की तरह अपने बाप का श्राद्ध कर पाता। चाचा जी एनकाउंटर में मरे थे और तेरा बाप एड्स से। चुपचाप देख। क्या भाई लोग काम धंधा छोड़ के इधर क्या कर रहे है? बिल्लू भाई अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं। जा उसको बोल दे बाबूलाल आया है। हाँ हाँ जा, पिछली बार गोली मारी थी इस बार बम मार देंगे। अच्छा छोड़। ए बिल्लू। क्या हो रहे? माल कितना मिलेगा? तेरी मर्जी, पैसे का टेंशन मत ले। 5 करोड़ चलेगा। सीएम साहब बात हो गई। बोले तो वो 15 खोखा बोल रहा था, मैंने 10 में डन कर दिया। हाँ अभी टेंशन मत लो, अपुन की गोली मतलब बंदूक की गोली, हाँ काम हो जाएगा। सर छुट्टी चाहिए, बकरी ने बछड़ा दिया है गांव से। चिट्ठी आई है। चल हट। बड़बक कहीं का पागल। तो तुमको 4 महीने की छुट्टी चाहिए? हाँ सर। कोई बात नहीं, कम यार 1 साल की लो जाओ। थैंक यू सर। यार प्रभाकर, हाँ? ये फड़कती जवानी वाला प्रोग्राम सच में हिट होगा क्या? फड़कती जवानी है? हाँ। ए, पानी लेकर आ। हाँ, लाता हूँ। थोड़ा डाउट है। डाउट मत रखो, ये आइडिया हिट होगा। हॉट पानी फॉर हॉट सर। बुड़बक ऑफिस के फ्रिज में जंग लग गया जो गर्म पानी लाया। क्या रे मुझे घूर रहा है तुझे? मैं कौन? जाने भी दो यार, बच्चा है। ये क्या बात हुई है? फ्रिज का पैसा आखिर कैसे वसूल होगा? जे सर बात सुन। हाँ। सीनियर की रिस्पेक्ट कर। कर लूंगा। तो क्या कह रहे थे तुम? वो फड़कती जवानी हिट होगा कि नहीं? हाँ, यही ना। हाँ, हाँ, हाँ। देखो यार, दुनिया में कोई भी आइडिया हिट हो रहा हो, ये आइडिया 100% हिट होगा। ये हमारी गारंटी है। बहुत जल्द 1 नंबर का चैनल होने वाला है, नो डाउट एट ऑल। कोई पंगा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। इस शो से इनकम होगी डबल, सबकी पगार होगी ट्रिपल, और इस सब में हमारी कमीशन होगी 50%। इतना ज्यादा क्यों? तबेला खुल लेंगे। चुप चपड़ गंजू, पापड़ तले हम और बैठ के खाएगा तू है इडियट। कैसी हो कबला? क्या प्रभाकर, तुम मुझे हीरोइन बनाने वाले थे ना? बोलो ना कब बनाओगे, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जल्दी प्लॉट तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। कुछ ही दिनों में मेरी दिल की हीरोइन से टीवी की हीरोइन बन जाओगी। मजाक मत करो ना। अरे नहीं भाई, तुम जरा रेडी रहना, हमारे आदमी आएंगे तुम्हारा ऑडिशन लेने। अरे पर ऑडिशन की स्क्रिप्ट कहाँ है? स्क्रिप्ट की क्या जरूरत, कुकरी शो का ऑडिशन है डार्लिंग। क्या बनाना है? अरे भिंडी गोभी कद्दू तल देना। कितने क्यूट हो। वो सब रात में, तुम तैयार रहना। बाय। ओके जानू बाय। ए अभिमन्यु, अगर रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं खाल खींच लूंगा तेरी। अबे 1.5 फुट के छछुंदर इंसान, ज्यादा बोलेगा तो जबान खींच लूंगा मैं तो। हेलो सर। मारे क्यों? अच्छी किया, 100 रुपया लेकर जाना।
एनीथिंग सीरियस? मैंने एक प्रोग्राम के बारे में सोचा है। आग जलाओ, भूख मिटाओ, इसमें सुंदर कन्याएं खाना पकाएंगी। क्या बात है, जबरदस्त। मैंने सोचा है इसे तुम शूट करोगे। क्यों मजाक कर रहे हैं सर, हम तो रियलिटी शो प्लान कर रहे हैं। असल में ये चूल्हा आग बावर्ची आप पर सूट करता है। सर अपने स्टाफ कितने हैं? टोटल 60 हैं। कल से 59 होंगे। क्यों सर आप रिजाइन कर रहे हैं? सॉरी सर, जोश में आ गए थे। अबे हुल किसको दे रहे, देख लूंगा। कमला जी का घर है। आप लोग कस्टमर हैं क्या? हम शूटिंग कर रहे हैं यार, बाद में इनका नंबर है क्या? तुम अंदर जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, बाहर मत आना। ए, बैठने के लिए किसने कहा? पता है कितना महंगा सोफा है? अगर को फूल का गमला हम पे हमला है, जबान काट दूंगी। तो तुम दोनों प्रभाकर के चमचे हो ना? चमचे नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, ये को-डायरेक्टर। अच्छा, चाय कॉफी कुछ लेंगे? प्यार से जो भी मिल जाए हमें। कंट्रोल बिरजू, कंट्रोल। समझ गई, मैं ठंडा लेकर आती हूँ, आप लोग बैठिए ना। बर्फ के टुकड़े डालना मत भूल। कहाँ जा रहा है तू? अरे बिरजू, अपना प्रभाकर तो इसको पर्सनल माल समझता है, लेकिन ये तो पब्लिक माल निकली। हमारी कंपनी का कद्दू काटता है, यहाँ बांटता है। लुट गया बेचारा। ये यहाँ कैसे? बाय प्रिया, बाय बाय। अरे बिरजू, कैमरा लगा ले हमारा। हाँ, तब तक तो अपनी पिक्चर बना ले। शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ ठीक है। हेलो मिस अंजलि, आप यहाँ कैसे? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज डे एंड नाइट है यहाँ। तो ये भी शौक है? शौक क्या, रोज यही करते हैं क्या? रोज और नहीं तो क्या, जब तक थकते नहीं तब तक रुकते नहीं। क्या चीरे, तुझे करना पड़ेगा, नहीं करेगी? मुझसे बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। क्यों तोड़ोगी, ये मेरी रोजी रोटी है। पसीना बहाकर पैसे कमाने का मजा ही कुछ और है। क्या इस काम के पैसे भी लेते हो? और नहीं तो क्या, फुकट में काय को करूं? बाप रे, ये तो अभी चालू है। शॉट रेडी है। अब ये कौन है? मेरा असिस्टेंट, साथ में करते हैं दोनों। साथ में क्या बात है, हर बात में सवाल क्यों करती हो? बिना असिस्टेंट के शूटिंग कैसे होगी? शूट नहीं करते हो? शूट करेंगे तभी तो ऑनलाइन दिखेगा। हे भगवान, ये काम करते शर्म नहीं आती? मेहनत का काम करने में शर्म काहे की? चुप करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बेशर्म कहीं का। क्यों, खाने का प्रोग्राम शूट नहीं कर सकते? खाने का प्रोग्राम? और नहीं तो क्या, मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ और वो मेरा असिस्टेंट। ओह सॉरी सॉरी, मैं तो कुछ और ही। मेरी शक्ल से लड़के अक्सर धोखा खा जाती हैं, फिर वो क्लोज आ जाती है। यू कंटिन्यू। शाम को जल्दी आना प्रिया। हाँ काश हमको भी ऐसे बोल देती, इसके साथ तो साथ फेरे लेने का दिल करता है। वो कमला तैयार हो गई, कैमरा लेकर टॉप एंगल से हमला कर रहा है। आज के सारा एंगल कैंसिल, मूंगफली की चटनी बाद में बनेगी, पहले पत्नी के पास जाएंगे। अंजलि हमारे हैं। अंजलि, अंजलि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा पीछा कर रहे हो? ये तेरा ही झोपड़ा है ना। हाँ तो तो तुमने हमका इनवाइट क्यों नहीं किया? लुच्ची बच्ची, एक मिनट, आंटी माँ को क्यों बुला रहे हो? ओ अंजलि सिस्टर, मम्मी को बुलाएंगे? हाँ मैं हूँ, बोल। मजाक कर रही है ना, आप तो बॉलीवुड की हीरोइन लगती हैं। नहीं बेटा, मैं ही अंजलि की माँ हूँ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, आपको किसी पिक्चर में देखा है? अरे जब आंटी कह रही है वो अंजलि की बहन नहीं है तो क्यों पीछे पड़ा है, उधर देख। ये नहीं हो सकता। लेकिन आप यहाँ आए क्यों हैं? शूट करने के लिए। अरे हाँ? मेरा मतलब हम चैनल से आए हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। गली के नुक्कड़ पर मुझे एक छोटे बच्चे ने बताया कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। इतना छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? आज के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर फास्ट। हाँ किचन कहाँ है? दो चट कहीं का। दक्षिण में बाथरूम है, पूरब में बेडरूम है, यहाँ होगा। हाँ, पर ये आपको कैसे पता चला? वास्तु एक्सपर्ट हूँ। आप तो 100% अभिमानी इस घर का जमाई बन गए रहेगा। नहीं नहीं सॉरी, जोकिंग जोकिंग। क्या लग रही है आप? मुझे शर्म आ रही है। सच कहते हैं, आप छा जाएंगी, आपकी जो स्माइल है ना उस पे दर्शक पूरी तरह फिदा हो जाएंगे। तो क्या कहती है, प्रोग्राम शुरू करें? हाँ शुरू करते हैं। कैमरा रोलिंग, एक्शन। वाह वाह वाह, ये टीवी पर कब आएगा? दिन में 8 बार। अब जो खाना बनाया है तो खा के जाइए ना। हाँ, कल लंच पर आ जाता हूँ। ठीक है। कल क्यों आना है? लुच्ची बच्ची बहुत ड्रामा करती है, चाहती तो है कि मैं आ जाऊँ। मीठा क्या खिलाओगी? स्वीट डिश कल तुझे खा जाऊंगा। अब से रोज जाएंगे और रोज शूट करेंगे, फ्री रहना। हाँ समझ गया, मैं सामने जाऊंगा। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? कमला के घर से। हाँ। उसी से बात हो रही है मेरी। क्या कमला, ये लोग आए थे? नहीं आए थे। नहीं आए थे? तनिक रुका दीजिए, बात करते हैं।
हेलो मैडम, हम आपके घर आए थे ना, लुंगी में एक आदमी बाहर निकला था। अरे आप लुंगी में? अरे वही पाइपलाइन वाले। करेक्ट करेक्ट। आज मूड नहीं है, कल आओ ऐसा कहा ना। तो ये बात आप सर को बता दीजिए। हाँ उन्हें फोन दो ना। लीजिए सर। क्या ये सच है कमला? वो दोनों आए थे जानू। अच्छा, मजाक कर रहे थे। हमेशा मजाक करती है। आपके साथ करती है मजाक? तुम कबाब में हड्डी मत बना। दूध बिल्ला पी जाएगा, ढक के रखा करो। अबे गधे, लुक मत दे, देखने के अलावा तू कुछ नहीं कर सकता है। चल एडिटिंग रूम में चल। कमला जी का नंबर दीजिए ना, पुदीने की चटनी बनवानी है तो। उससे शादी करने जो नंबर मांग रहा है? नहीं वो तो मैं। चल निकल। क्या हाल है पापा, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहा हूँ बेटा। अच्छा सुन, अगली 5 तारीख को तेरे पास पहुँच रहा हूँ। रिटायर हो रहा हूँ ना, कुछ पेपर सबमिट करने। पापा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं क्या? आइए आइए, आपको बहू भी तो देखनी है। ए, सिर्फ बहू नहीं देखनी, जल्दी से तेरी शादी करा के अपने पोते पोतियों का मुंह भी देखना है। पापा आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए बस। और तू भी। उससे कहिए ना, मैं भी साथ में आ रही हूँ। अच्छा सुन, तेरी माँ भी साथ आना चाहती है। अरे नहीं पापा, माँ को साथ मत लाइए, अब नहीं जा सकेंगे, घर का खाना होगा, 8 बजने से पहले घर लौटना होगा। अच्छा तो इसलिए तू नहीं चाहता कि मैं तेरे पास आऊँ, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है माँ, बल्कि मैं तो पापा से कह रहा था कि माँ को भी साथ लाइए। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे, मैं तेरी माँ हूँ। मुझे माफ कर दे माँ, गलती से मेरी जबान फिसल गई बस। ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। अच्छा सुन, तेरे लिए गाजर का हलवा लाऊंगी। क्या बात है, लव यू। हे बाबूलाल, मर्डर नहीं कर सकता तो मक्खी मार। अरे नहीं साहब। सुन ले बाबूलाल, वो फाइल नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंच गई तो तू मैं सब चक्की पीसते नजर आएंगे। एक चांस और दे दो साहब। देख काम खत्म कर और मुझे फोन कर, वरना तू तो गया समझ। एक चांस और दे दीजिए, उसका गेम जरूर बजेगा। सॉरी फॉर डिले। अबे ओ बिल्लू, बाईगिरी का काम छोड़ के गांव में जाके बकरी चरा, आप उनका तो कचरा हो गया ना। तूने जिस आदमी को उस कबूतर को मारने भेजा था, किसी ने धोखे से उसका इस गेम बजा डाला। मेरे पोपट, अगली बार मिस नहीं होगा। अरे अपुन को तेरे पे पूरा भरोसा है, लेकिन सीएम को कौन समझाएगा? क्या रे लौंडे, हवा निकल गई? तेरे साफ शूटर को हमने उड़ा दिया। तेरी तोप। इतना मत चिल्ला, गला बैठ जाएगा। तू तो हमारे यार का बेटा है रे। एक ज्ञान की बात सुन, पीपल के पेड़ के नीचे सोया जाता है, लेकिन उसको काट के उसकी लकड़ी से घर नहीं बनाते हैं। ये रिक्शा वालों से हफ्ता लेना, मंडी में छीना झपटी करना, चोरी चकारी करना, दलाली करना, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम है करने के लिए। वो सब छोड़ के कल का लौंडा हमसे पंगा ले रहा है, मना करने के बावजूद हमारे धंधे में उंगली कर रहा है। ए, तुम जानबूझ के आग से खेल रहे हो, जल के राख हो जाओगे। वैसे चिंता मत करो, तुम हमसे मिलो, हम तुमको ट्रेनिंग देंगे। जा बोल, उसका गेम ओवर कर देंगे। ठीक है। अंजलि, अंजलि। अंजलि को क्यों बुला रहे हो? रोल खत्म होगा। आपको ही बुलाने के लिए तो पुष्पा जी बुलाना चाहिए ना। बड़े लोगों को नाम से बुलाते हैं क्या? आपका नाम नहीं ले सकता, इसलिए अंजलि का नाम लिया, उसे बुलाया। तो माँ जी कह सकता था ना। नामो बनकर प्रोग्राम में नाम लिखना पड़ता है। जाने दीजिए, चलिए अंदर चलिए। अच्छा ये बताइए कि अंजलि कहाँ है? ऑफिस गई है, 1 घंटे में आएगी। 1 घंटा? 1 घंटा टाइम पास करना पड़ेगा। मम्मी जी, ये बॉर्डर थोड़ी छोटी हो गई, बड़ी होती तो अच्छी लगती। जरी का काम होता तो परी लगती ही। यही स्माइल अपने को कैमरे में चाहिए। चलिए। बोला था फोन करके जाते हैं, तब तक मैं कमरा बंद कर। चल काम पर लग। अपने को तो हर ब्रांड की मिलेगी अंकल मिलिट्री में यार। अबे कंट्रोल कर, दामाद बेवड़ा हो तो कोई लड़की नहीं देता, लात मार कर भगा देता है। ठीक से बैठो। मुझको छोड़कर कहाँ चली गई थी? आंटी आंटी, ये साड़ी कैसी है, अच्छी लग रही है ना? क्या बात है, बहुत ही सुंदर लग रही हो मम्मी जी। मम्मी जी, अभी मम्मी बाद में सासू। तो जाओ, सुपर स्टार इज रेडी, जाओ जाकर बैंगन के भरते में झोंक लगाओ। हाँ, आइए ना पधारिए, आइए आइए। चलिए हम पापड़ तल कराते हैं। चलो ना हमारी गली। तुम्हारा दिमाग खराब है, बेडरूम तक आ गए? आज तक मैं किसी के बेडरूम तक नहीं गया। प्रपोज कॉलेज में एक लड़की को पूछा था, वो प्रोफेसर के साथ भाग गई। तुम वो पहली लड़की हो जिसे फर्स्ट टाइम प्रपोज कर रहे हैं, ये बात मिस्टर मूर्ति जानते हैं। कौन? अरे तुम्हारे ससुर जी, उन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया है।
हनीमून के लिए हम उत्तराखंड जाएंगे। असम, सिक्किम, मेघालय भी बहुत सुंदर है। वहाँ से गोवा जाकर एक नारियल में दो स्ट्रॉ डालकर पिएंगे। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो तो बाहर जाने से पहले ये स्विच ऑन ऑफ कर देना। बत्ती बुझी तो समझेंगे किस्मत खुली, नहीं तो मैं ये चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। बनकर 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 बुझाओ बत्ती। स्विच काम नहीं कर रहा। कौन बनेगा रोडपति? इसका ऑफर मुझे पहले आया था। तो जाना चाहिए था ना, रोडपति बनना है। जो मैं वहाँ जाऊँ? औकात तो रोडपति वाली है और शक्ल भी भिखारी वाली है। सिर संभाल के लग जाएगी ही। बहुत बोलता है, लिमिट में रहे। कम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश जी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अगर ये इंटरव्यू कर लेंगे तो हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ेगा। अगर आप परमिशन दे दें तो कल ही उन्हें बुला के इंटरव्यू ले लेते हैं। बड़ी मुश्किल से ये बिजनेस पटरी पे आया और तू है कि बिजनेस को रिवर्स खींच रहा है। जरा दिमाग लगा। इंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है तो वो बता। बट सर। बट सर से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुझ में वो है नहीं। सर इससे हमारे चैनल को बहुत फायदा होगा सर। तू मुझे सिखाएगा चैनल कैसे चलाते हैं? जो झंडे गाड़े सब उखाड़ दूंगा, समझा? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? होशियारी मत दिखा और अपनी हद में रह। दिल गेट लॉस्ट। तंग आ चुका हूं यार, सोचता हूं जॉब ही छोड़ दूं। यहां तो मेरा एक भी काम बॉस को पसंद ही नहीं आता। मैंने सोचा था कैसे भी करके एक बार ये इंटरव्यू हो जाए तो हम लोगों के चैनल का बहुत नाम हो जाता। अगर तुझे लगता है कि शो में दम है तो कोई नहीं रोकेगा, तू शो शुरू कर। बीच में जो आएगा उसे मैं देख लूंगा। और बॉस? बॉस को अपन आटे मिलेगा। फिल्म तो अच्छी है, डिस्प्ले खराब है। तुमको कैसा लग रहा है? एक्चुअली शॉट इज कॉन्फिडेंस नहीं है ना, इंग्लिश बताते रहते हैं बस, क्रिएटिविटी के नाम पे जीरो। सर बहुत ही अर्जेंट काम है, आपको जाना होगा। रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि ऑर्डर है। सीरियस मैटर। फिर से बोल रहे? कमला जी का क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ, बेड पे से गिर गए। बेड पे क्या कर रही थी? फड़फड़ाती जवानी कहां सर? कमला, क्रिएटिव हेड जा रहे हैं और आप देख रहे हैं? कंपनी दीजिए, स्टूडियो के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है उनके साथ रहे। सही करे। प्रभाकर, कमला की खुशबू लेके आता हूँ। अबे तू कहाँ जा रहा है? कमला जी को मालिश करके आता हूँ। कमला के थर्ड रोमियो, चुपचाप बैठ काम कर यहाँ पर। सरकार बदल जाती है लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार में रहते हुए लोग काम करके बड़े बड़े पद और मुकाम को हासिल कर लेते हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम करने वाले जयप्रकाश जी हमारे ही राज्य के हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पर ऐसे ईमानदार इंसान को इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा उन्होंने क्यों किया, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जनता को बताइए सर। नमस्कार, आई एम जयप्रकाश, एक्स चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, मैंने इस्तीफा दिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ माय रेजिग्नेशन। यू नो, मैंने आईएएस की पढ़ाई के लिए जी जान से मेहनत की है। आईएएस बनने के लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करके पता चला कि जो कुछ मैंने किताबों में पढ़ा था वैसा यहां कुछ भी नहीं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग आज के दौर में नहीं मिलते और नहीं वैसा कोई बनना चाहता है। पहले देश को मुगलों और अंग्रेजों ने लूटा और फिर कई सालों तक चोर लुटेरे गद्दार इस देश को खोखला करते रहे। उनका धर्म पैसा, उनका ईमान पैसा, कोई चाहे जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उन पॉलिटिशियंस के लिए सिर्फ वोट बैंक है। ऐसी ही कई चीजें हैं जो मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। सर, इतने सारे ऑफिसर्स होने के बावजूद भी आपने ही रेजिग्नेशन दिया? क्यों भाई, इतने सारे पत्रकार होने के बावजूद सिर्फ आप ही मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ क्यों लाए? क्योंकि आप ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। सर, आपको उन लोगों पर नो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि सब बुरे हैं, सिस्टम में बहुत से लोग मेरी तरह सोचते हैं पर वो सामने नहीं आना चाहते। मैंने ये रेजिग्नेशन उन सबको जगाने के लिए, उनमें हिम्मत पैदा करने के लिए और सत्य को जीत दिलाने के लिए दिया है। आपके और आपके ऑफिसर्स ने उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया? एक्शन लिया जाएगा, बस सही समय के। अभिमन्यु, स्टूडियो के बाहर लफड़ा हो रहा है। तो देख, मैं आता हूँ। लेकिन ये सिस्टम इतना सड़ चुका है कि अगर इसे ठीक करना है तो सबको जागना होगा। बिना सबके जागे ये नामुमकिन है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, दंगे फसाद, ये हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं। जोड़ने की नहीं, सब तोड़ने की बात करते हैं। Oh!
मैटर क्या है? शो बंद कर और उस आदमी को भेज। दोनों नहीं होगा, मैं बिल्लू का आदमी हूँ। चाहे बिल्लू हो या ठुल्लू, हाथ में पकड़ के लोटा, गले गले तुझे घुमाएंगे अगर तू यहाँ से नहीं फूटा। मंगलू, हे मंगलू, वो नहीं उठेगा। मैंने मारा है, डॉक्टर अच्छा हुआ तो उठने में 3 महीना, वरना 3 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। चल निकल यहाँ से। आपका फ्यूचर प्लान? जनता को जगाना, कॉन्फिडेंस पैदा करना, ताकि वो सब एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ सके। इस देश को बुराई के चंगुल से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही बचा सकता है। सर, आप हमारी जनता से कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ एक बात, जिस दिन देश का आम आदमी पूरी तरह जाग गया, उस दिन गुंडे, मवाली, भ्रष्ट पॉलिटिशियंस और उनके करप्ट ऑफिसर्स के दिल में खौफ पैदा हो जाएगा। उन्हें अपनी औकात पता चलेगी। गलत काम करने से पहले वो 1000 बार सोचेंगे, और तब हमारे देश को आगे बढ़ने से और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या रे, मुझको डराता है? चैनल रोकेगा झंडू, कैमरा बंद करने को कहता है। थैंक यू सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी बहुत थैंक यू, वेरी मच, थैंक यू सो मच, नमस्कार। ये प्रॉब्लम है जनता का, सेंचुरी मारे बगैर बैट्समैन ऊपर नहीं आता। 2-4 की धुलाई कर दी, मुझको हीरो बना दिया और मैं ये लीजिए और मुझको धो डालिए। मैंने आपसे झूठ कहा ना? झूठ क्यों? इस मंदिर जैसे स्टूडियो पर गुंडों ने हमला कर दिया था, इसलिए आपको बचाने के लिए बाहर भेजा था। तू हमसे इतना प्यार करता है? आप चट्टान हैं, पुरुष नहीं महापुरुष हैं। अच्छा, ऊपर चढ़िए, कमर लचक जाएगी। यहाँ प्रस्थान कीजिए। हाँ। ये ले भाई। रो मत लल्ला, चुप हो जा, मर्द रोते नहीं है। अभी बस कर, अबे बस कर, बस कर। हाल चाल पूछने आप गए थे, बॉस की हालत कैसे बिगड़ गई? सोच के गए थे कुछ और हो गया कुछ और। खुशकी बहन, हाय रे बुढ़ापा। चलते हैं सर जी। नमस्कार, HMTV न्यूज में आपका स्वागत है। एक बस में आग लग गई जिसमें 40 आदमी मारे गए। देख रहे झुमरू, न्यूज वाले तो पीछे ही पड़ गए। प्रोग्राम रोकने गया था तो उसके आदमी ने मारा भाई, और तू चुपचाप मार खा के आ गया, मेरे नाम का भी नहीं सोचा। हाँ, तू एक काम करना, चनिया चोली पहन ले और सिग्नल पर जाकर राजू राजू बोल के पैसे मांग। गली का झिंगूर फड़फड़ा रहा है, अब उसे फ्राई करने का टाइम आ गया है। और तू अगली बार मुंह काला करके आया ना तो देख मैं क्या करता हूं। अरे आइए पापा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पीछे तेरी माँ आ रही है, पहले उससे मिल, नाराज होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। माँ, सुस्वागतम। अरे तू तो सूख के कांटा हो गया है। क्या लाई हो मेरे लिए? तेरा फेवरेट। दिखा।
अरे वहाँ कितना गोलम गोल है। घर चलिए, खूब किस कर लेना। आपको जो ऑर्डर करना है करिए, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा सुन। हाँ? ये क्या बाबूजी, अब तो मैं भी कमाता हूँ। चुपचाप रख ना, मेरा भी सब कुछ तेरा ही तो है ना। और सुन, माँ को पता ना चले, पता चला तू बहुत चिल्लाएगी। आपने बोला तो कैसे मना करेंगे। टंकी बंद कर, पैसा निकाल। धंधा बहुत मंदा चल रहा है भाई। अबे मर गया तो पैसे का क्या। अरे भाई फटाफट दो टिकट बुक कर दीजिए। भाई मैं पैसे लेकर आता हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जल्दी, परसों जिसने मारा वो यही है। क्यों बे, खून बहुत उबाल मार रहा है, क्या बोला था रही? बिल्लू हो या ठुल्लू, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। तू जानता है वो कौन है? जानता है, युगांडा में 3000 लोग मर गए हैं कोरोना से। तू गया नहीं? मुझे क्यों बता रहा है? तो तू मुझे क्यों बता रहा है? मैं अभी फालतू की जान पहचान नहीं रखता हूँ। बहुत फड़फड़ा रहा है। अभी मेरा फड़फड़ाना देखा कहाँ है? अगर मैं फड़फड़ाया ना तो तू लड़खड़ा जाएगा। मुन्ना स्त्री की है, अगर बिगाड़ेगा तो 7 रुपया लूंगा। तेरे जैसे बहुत लोगों को सीधा किया है। 7 रुपया सिर्फ स्त्री का, धुलाई का अलग। ओ अच्छा, तू करेगा धुलाई? धुलाई देखनी थी ना, फिर पंगा मत लेना, चलते हैं। हाँ भाई, हाँ सब ठीक है। अरे माँ, पापा कहाँ गए? किसी का फोन आया। क्या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं? अच्छा सुन। कहाँ माँ? अरे ये क्या माँ, मुझको सैलरी मिलती बहुत है। बहुत पैसा कमाता है, मुझे पता है, चुपचाप रख ले। और सुन, अपने पापा को मत बताना, ठीक है? मेरी प्यारी माँ। मेरा प्यारा बेटा। क्यों भाई, हमारी कोई शिकायत की जा रही है क्या हमारे बेटे से? नहीं माँ, मुहूर्त निकालने के बारे में बात करी थी। चलिए यहाँ से चलते हैं। कहाँ गया भाई? वो देखिए वो रहा। पापा सुबह तक आप घर पहुंच जाएंगे। ए! कौन है बेटा? अरे कोई नहीं। अरे पापा जाइए बस में बैठिए, माँ अभी जाओ। चलो मैं अभी आता हूँ। क्या रे, धुलाई कम पड़ गई? बोलो कौन है, तेरे माँ बाप हैं? भाई इसके माँ बाप को ही टपका देते हैं। अबे चूजों को अपनी जबान की कुंडी पर ताला लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की जबान औकात से ज्यादा फड़फड़ाने लगती है तो मैं उसकी लंबी जबान हलक में हाथ डालकर 2 इंच की बना देता हूँ। दोबारा नहीं समझाऊंगा। क्यों रे, समझाया नहीं? लेके जा। अगर मम्मी पापा का नाम भी लिया तो मसल देंगे। आज तुम्हारा लकी डे है, तुम सबके लिए एक ढिंचाक ऑफर है। एक बार इस बस को जाने दे, फिर अंदर जितनी खुजली हो जी भर के मिटा लेना। क्या बोलते हो भाई लोग? अच्छा ऑफर है भाई, मान जाओ। दिखने में तो एक नंबर के झंडू लगते हो, लेकिन भेजे में अकल है। देखना कुत्ते की मौत मारूंगा। तो तू मारेगा उसको? और नहीं तो क्या। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी लगता है, इसके पीछे गैंग हो सकती है, कुछ तो करना पड़ेगा। बस निकलने दो, बस के जाते ही अपुन दिखाएगा अपना टैलेंट। बहुत अच्छी है। अरे पापा लगेज ठीक से रख दिया? हाँ, हाँ। अच्छा माँ, अगली बार मेरी शादी के लिए आना। अच्छा पापा पहुंच कर फोन कीजिए। संभल कर जाइए, बाय। अबे तूने ही तो ऑफर दिया था। ऑफर की बात तो ऐसे कर रहा है जैसे हम चट्टी बनियान बेच रहे हैं। अप्रैल फूल है ना, इसलिए फूल बना। जबड़ा हिला दिया। बाद में कूपर हॉस्पिटल है, कौन इसे छोड़ कर आएगा? Oh!
और अच्छा बाहर खत्म कर दिया उसे। बहुत मारेगा ये, बहुत बहुत। ए, आधी मैच से भागेगा तो मजा नहीं आएगा। मुझको भी तो बैटिंग का मजा लेने दो। छह बॉल पे छक्का, एक दो तीन चार पांच और क्या बे? उल्टा पेपर पढ़ रहा है। उल्टा ही पढ़ता हूँ भाई। झूठ बोलता है। क्यों रे ढक्कन? चल नीचे आ। मैं नहीं आऊंगा, तुम मारोगे। नीचे नहीं आएगा तो मैं ऊपर आऊंगा। ये क्या नया ऑफर है? अगर चुपचाप नीचे आया तो ये चप्पल और तेरा मुंह। अगर मैं ऊपर आया तो निकल जाएगा तेरा सुसु। ठीक है आता हूँ। आजा 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 नीचे आजा। अबे जमीन चाट कर मैली क्यों कर रहा है? क्यों बे? माँ बाप की इज्जत करना नहीं जानता तू? चक्कू सिर्फ सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर बे। मैंने धार लगा दी, तू यहाँ कट के गिर जाएगा। समझा के नहीं? दर्दी के बोझ तेरा काम हो गया, रोकड़ा लेके आ जा। कौन था? ऑफिस में बहुत देर हो गई, मम्मी पापा को बुरा तो नहीं लगेगा ना? कहाँ रहता है? बुरा क्यों नहीं लगेगा, बहुत इंतजार किया मेरी माँ ने। और देर हो जाती तो सूख कर काटा हो जाती। बड़ी मुश्किल से जाने के लिए मनाए। वो कब से तड़प रही थी तुम्हारे हाथ की जली हुई रोटी खाने के लिए। मैं सब जानती हूँ कौन तड़प रहा था। चलो नौटंकी मत करो। बहुत मारा भाई। अभी हमारा सबसे बड़ा काटा नागराज है, पहले उसे उखाड़ते हैं फिर बाद में इसकी जन्म कुंडली निकालेंगे। मम्मी पापा ने शादी के बारे में क्या? बहुत उतावले थे। बिल्कुल मेरी तरह। ठंड का मौसम है, कंबल फटा है, बस तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। हाँ? वो क्यों? नमस्कार, HMTV न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ विशाल। आज एक इंटरस्टेट बस में हाइपर सिटी मॉल के सामने एक भयंकर अग्निकांड हुआ। इस दुर्घटना में 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। आग लगने के बारे में जब वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर विजय ने पुलिस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये आग कैसे लगी है इसके बारे में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। देखिए, उस बस में अचानक कैसे आग लग गई इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सर, ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ या जानबूझकर किया गया है? देखिए, जब तक कोई सुराग नहीं मिल जाता कुछ नहीं कह सकते। पिछले साल भी एक बस में आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसे ही हो गया हो, लेकिन बिना जांच के कुछ नहीं कह सकते। सर, और कोई जानकारी? जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया है, आगे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू सर। सर, अरे क्यों इतनी तेजी दिखा रहे हो? कहीं आग लगी है? और बिल्लू कहाँ है? वो नहीं आया हमसे मिलने? बिल्लू भाई के बीच में मत आओ वरना गाड़ देंगे। नहीं समझा तो सीधा यमलोक। अच्छा? अरे यमलोक की बात तो बाद में करना बच्चे, पहले इस लोक की तो बात कर ले। हम भी जब तेरी उम्र के थे तो बात बात में ऐसे ही जोश में आ जाते थे, 24 घंटे ऐसे ही अकड़ में रहते थे, किसी के सामने कभी झुके नहीं। आखिर हमें क्या मिला?
कुछ भी नहीं। फिर हमने सोचा, नागराज अपने जोश पर तनिक काबू रखो और होश में आओ, और आज देख लो हम कहाँ हैं। हमारी बात मानो, तुम्हारा जोश और हमारा होश मिल जाए तो ये शहर तो क्या, हम पूरा जिला हिला देंगे। क्या कहते हो? ए, थोड़ा साइड में होना। ओ, क्या है बे? अरे बोल ना, क्या बात है? ये बुढ़ऊ जो कुछ भी बोल रहा है ना, इसे बोलने दो, हम जाके भाई को बता देंगे। तू कहना क्या चाहता है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो छोड़ूंगा नहीं। आप टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चल सोच लिए, बैठो। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, बिल्लू से कैसे जमती थी तुम्हारी? अरे क्या उसकी बात कर रहे हो, वो तो एकदम नल्ला है। हम दोनों ने कितनी बार सोचा उसे टपका दें। क्यों रे? ऐसा क्या? हाँ भाई, पैसे नहीं देता। ओहो, 6 महीने से रखड़ा रहा है। ये उसने ठीक नहीं, अय्याशी में सारे पैसे उड़ा देता है। अच्छा छोड़ो ये सब पुरानी बातें, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास पूरा सेटअप है। चिंता छोड़ो और खूब पियो। ये सब क्या हो रहा है? कौन है रे तू? शेरों में शेर करते हैं हम ढेर, हम वो ज्वालामुखी है जो एक बार फट जाए तो उसके लावा से पूरा का पूरा शहर जल के राख हो जाता है। 440 वोल्ट का देता हूँ झटका, मेरे दिमाग के तारों को अगर कोई छेड़ देता है तो फोड़ देता हूँ उसका मटका। कन्फ्यूजिया गए हो? समझाता हूँ। बस जलने की खबर तो सुनी होगी जिसमें 40 लोग मर गए थे। अपन जानते हैं कि उस अग्निकांड के बारे में तू पहले से ही जानता था। क्या बकवास है, हमारे बाल की तरह हमारा चरित्र भी सफेद है। झूठ मत बोलो नहीं तो ऑफर दे देगा। लगता है तू बादाम खाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझको ये स्टोरी कहाँ से पता चली। अभी बताता हूँ। रात को मेरे सपने में एक हूर परी आई। वो बताई कि जाने मन अभिमन्यु जाके उल्लू को समझा। हम पूछे किसे समझाए, वो बोली जा हम एड्रेस SMS कर देंगे। जब परी ने कहा तो हम उस परी को मना नहीं कर सकते थे, उसे हाई फाई दिया और यहाँ टपक पड़े। क्या कहा? अग्निकांड ये रोक सकता था? कोई बात नहीं, आज इसका भी कांड कर देंगे, अर्थी उठा देंगे हम। नो प्रॉब्लम है। अगर जीना चाहते हो तो तत्काल में गांव का टिकट कटवा लो। आजकल सरकार खेती के लिए बहुत सब्सिडी दे रही है। अगर यहाँ गुंडागर्दी की खेती की तो तू गया। शक्ल पर 12 बज गए, मतलब तू समझदार आदमी है।
अच्छा डॉक्टर हुआ तो 10 मिनट में ठीक हो जाएगा, वरना इसकी अतड़ियों में इतने छेद हो चुके हैं कि 10 जन्म भी कम पड़ेंगे, समझा? क्या सोचा था, गुंडागर्दी सिर्फ तुझे ही आती है? हम भी गुरु घंटाल है, बस अपना स्टाइल थोड़ा हटके है। भाई उस परी ने मेरे बारे में कुछ बताया क्या? वो परी तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती है। मुझको भी परी से मिलना है, मैं भी डेट पर जाऊंगा। अगला नंबर तेरा। भाई लोग अपना तो काम हो गया, अब ये हैंडीकैम सबकी पोल पट्टी खोल देगा। रिपीट टेलीकास्ट देखेगा मुन्ना? वो तो एकदम नल्ला है, हम दोनों ने कितनी बार सोचा उसे टपका दें। क्यों रे? हाँ भाई। तुम दोनों बहुत ही फोटोजेनिक लग रहे हो, बिल्लू देखेगा तो खुश हो जाएगा। अरे नहीं उसे मत दिखाना, बहुत बड़ा एड़ा है वो। ये सभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसे हमें दे दो ना। तुझे बादाम खाने बोला तो समझदारी की बात कर। हम बिल्लू बिलोरिया के पास जाएंगे, उसका एड्रेस बता मुझे, नागराज के बाद बिल्लू का नंबर। मुझे क्या पता था कि इसने कैमरा लगाया। हिल गया ना, मुझे पता था हिल जाएगा। आप जाइए सर। अबे चिरकुट, बारात में हम अकेले जाएंगे और तू पेड़ा खाएगा, बिल्लू को वीडियो दिखाए? अरे नहीं भाई। तो चल। हेलो, कैसा है बिल्लू? क्या हाल है मंत्री जी? थैंक यू। कांटा निकाल कर फेंक दिया ना, खाली फुकट टेंशन लेते हो। अरे मैं हूँ ना। अच्छा ये टाउनशिप कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। अरे मैं हूँ ना, समझ ले कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तुझे। थैंक यू सर। नहीं मैं नहीं जाकर बोल। अरे तू जाना। अरे तू जाके बोलना। नहीं अरे तू जाकर ना रुकना। अरे तू जाके बोलना यार। क्या बोला वो भाई? वो तो पूरा खिलाड़ी निकला। तो किधर गया वो? हमें जान से मारने वाला था भाई। तो भौंकने वाला कुत्ता काटना भी सीख गया। हम जो जिंदा खड़े हैं ना भाई, वो इसकी वजह से। इसका नाम पवन है भाई। कौन है तू? क्या हम दोनों कभी? अरे नहीं नहीं नहीं, आप मुझे नहीं जानते। आपसे पंगा ले रहा था ना, देखिए क्या हालत की। बता ना करे। हाँ भाई, अगर ये आदमी नहीं होता ना तो वो नागराज और उसके सारे गुंडे हम दोनों को मार के जमीन में गाड़ देते। कुछ पैसा चाहिए क्या? पैसा ही चाहिए होता तो उस काले सांड से ना लेता। तो फिर? दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए, बाहर अपन का लोचा चल रहा है। आप कहें तो हम यहाँ रुक सकते हैं। हम चूजे नहीं पालते। क्या बॉडी बिल्डर, जिम में 5 घंटा पसीना बहाने से कुछ नहीं उखड़ने वाला है, पंच में दम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखेगा, विदाउट सिक्योरिटी विदाउट प्रोटेक्शन। दूसरी बार मुझको चूजा मत बोलना। सब तेरी वजह से हो रहा है। मुझे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, कोई पैकेज बताइए ना। 999 वाले पैकेज में शिफ्ट हो जाइए। क्या उसमें इंटरनेट भी फ्री है? बिल्कुल फ्री। थैंक यू मैडम। यू आर वेलकम। देखते हैं जनाब क्या कर रहे हैं। ओह जनाब कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। अब तक हम आपको 15 करोड़ दे चुके हैं भाई, फिर भी वो इस्माइल आके हमें जगह खाली करने के लिए बोल रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए, अगर वो हॉस्पिटल चला गया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। भाई वो ओल्ड सिटी का आदमी है। जब पूरा शहर ही अपना है तो पुराना क्या और नया क्या। आप परमिशन दो भाई, बाकी अपन संभाल लेगा। हाँ उसी के आदमी लोग थे। अरे खाली पॉकेट में उड़ रहा था, कलीम भाई ने उसे आटे में ले लिया। इस्माइल कौन है बे? अबू ने। क्यों? कटिंग खत्म कर। मैटर क्या है वो बोल। यहाँ आसपास जितने भी इलाके हैं, चूहे के अड्डे, शराब के ठेके, वहाँ से तुम्हारा हफ्ता वसूली आज से बंद। समझ गया ना? ये बिल्लू बिलोरिया का ऑर्डर है। इस बार समझा रहा हूँ, फिर नहीं समझाऊंगा। दूसरी बार लाशें बिखरी होंगी, इसे मेरी चेतावनी समझना। अबे मेरे एरिया में आके मेरे को झूल दे रहा है तेरी तो। जल्दी करो,
एरिया कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। शेर कहीं भी शिकार कर सकता है, समझा? तुमसे बात करनी है। हम बाद में मिलते हैं। कहो ना, बात करनी है। इसकी क्या जरूरत है? हाँ? चलो। भाई ये लाल छड़ी कौन है? पटाखा है इसकी। नेवले को देख के जैसे सांप डर जाता है ना, वैसे इसके सामने इसकी हालत पतली हो गई। क्या हो गया तुम्हें? ये गुंडागर्दी कब से शुरू कर दी? जो रोज मुझसे मिले बगैर रह नहीं सकता था, आज मेरा फोन काट रहा है। बताओ ये सब क्या चल रहा है? बाद में समझाते हैं। क्या? भरोसा रखो, हम सब समझा देंगे। मुझे अभी इसी वक्त जाना है। हम मजबूर है, अभी नहीं बता सकते। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? मुझे अभी इसी वक्त जाना है कि क्या चल रहा है। अंजलि, कुछ बातें राजी रहे तो अच्छा है, समय आने पर पता चल जाएगा। प्लीज मेरा यकीन करो। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ। जब प्यार पर यकीन नहीं तो मैं नहीं समझा सकता। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इस वक्त तुम गुस्से में लग रहे हो, तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज के बाद मुझे कभी मत मिलना, मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। Go to hell! ऑटो! कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। चल भाई। अब तक कहां थे अंजलि? बॉस कितना चिल्ला रहे हैं। बॉस को चिल्लाने दो, मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ। श्रुति। हाँ? आज मूड ठीक नहीं, कॉल्स फॉरवर्ड मत करना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बाय। भगवान से क्या मांगा तुमने? समय आने दो, पता चल जाएगा। मैं बताऊं मैंने क्या मांगा? हुँ? अगले हफ्ते शादी हो जाए, इसी साल बेटी पैदा हो, हुँ? 3 साल बाद बेटा पैदा हो, हुँ? उसके बाद बैंक से लोन लेकर 2 BHK तो ले ही सकते हैं ना? और फिर मैं अपने नरम हाथों से तुम्हारे कड़क पेट के लिए रोटी बनाऊंगा। तुम क्यों बनाओगे? जोरू का गुलाम हूँ ना, पत्नी को खुश रखना ही पति का कर्तव्य है। ये मेरे दद्दू कहते थे। अच्छा, हम 15 दिन में एक बार होटल में खाना खाने जाएंगे, तुम्हारी मनपसंद फिल्म डाउनलोड करके एक साथ देखेंगे। तुम काम करके थक जाओगी तो चरण दबा देंगे। क्यों? पति पत्नी के चरण नहीं दबा सकता क्या? जानू मेरी लुच्ची बच्ची। ए, उस बस स्टॉप वाले झिंगूर का क्या हुआ? भाई उस शशुंदर को हम लोग कुत्ते की तरह। सत्यानाश। नहीं नहीं कुछ नहीं। उस दिन क्या बोला था वो? बिल्लू हो या ठुल्लू, कुछ नहीं उखाड़ सकता। उसने यही कहा था भाई। बिल्लू हो चाहे ठुल्लू हो, कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुझे कैसे पता? इस चिरकुट ने बताया। ए बताना। हाँ भाई, नशे में मुंह से निकल गया। हाँ भाई। अरे आपके सामने किसी की क्या औकात भाई, कहाँ उसको लेकर बैठे? औरों की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो 100 पे भारी है। अरे भैया जी को बताना उसने क्या कहा था, कहीं तो उसके टीम में तो नहीं? बंद कर अपना खाली पीले में भंगन क्यों कर रहा है? हमने भी चूड़ियां नहीं पहन की। अरे हाथ हटा यार, जब से आया तब से देख रहा हूँ, क्या समझता है खुद को? ज्यादा बोलेगा ना तो काट डालूंगा। देख रहे हैं ना भाई, हम इसको समझा रहे और ये हम पर ही बरस रहा है। देखो भड़ास निकालनी हो तो हमको मार लो, लेकिन भैया जी के सामने इंसल्ट मत करो। भैया जी आपका भी इनको लिहाज नहीं है, आप बहुत मासूम हो भैया जी, कोई भी आपको चुना लगा कर जा सकता है। आपने बॉडी अच्छी बना ली, काश दिमाग की वर्जिश कर लेते। ये चींटी जैसे चमचे भी हंसते आप पर। दोनों फ्री में बोटियां नोचते हैं, दारू पीते हैं, दोनों एक नंबर के ठरकी हैं, आपके पैसों पर अय्याशी करते हैं।
अगर हम आपके वफादार होते तो इनकी तरह गद्दारी नहीं करते। बहुत सारे राज दफन है हम में, कब जबान फिसल जाए पता नहीं। वो तो आप लोगों का रिश्ता सलामत रहे इसलिए आग नहीं लगाते, पर आखिर कब तक कंट्रोल करें? ए, क्या बकवास कर रही है? अरे वो क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको। नया कबूतर होने के बाद भी इसके पास पूरी खबर। मेरा दूसरा नाम खबरी लाली है, वो तो दारू पी के पड़े रहते हैं। तर गई होगी दोनों की। 24 तारीख को हाइपर सिटी मॉल के सामने जिस बस में आग लगी थी उसके कई सुराग हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया था। अब तक मिले सबूतों के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि पुलिस जल्द ही इस मामले से पर्दा उठा देगी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। उस चैनल के चीफ को उठा कर ला। भाई सुनिए, मीडिया से उलझना ठीक नहीं है। क्या कर लेगा वो, आजकल बड़े लोग ही न्यूज में होते हैं। भाई डरने का नहीं, ये सब झमेला सिर्फ 4 दिनों का है। बीपी मत बढ़ाइए, मुझ पर छोड़ दीजिए। और वैसे भी ये बकवास चैनल देखता कौन है? पचड़े में ना ही पड़ो तो बेहतर है। आप घर जाइए, एसी चालू कीजिए और ठंडी ठंडी हवा का मजा लीजिए। जाइए जाइए जाइए, मैं हूँ ना। हाँ बाबूलाल, न्यूज सुना? सब बकवास है। अरे कहाँ ध्यान दे रहा है, तेरा काम हो गया ना? हाँ संभाल कर रहना। चल एंजॉय। बिल्लू ये क्या हो रहा है, ये बातें मीडिया को कौन बता रहा है? हाँ वही तो, कब से उसी को ढूंढ रहा हूँ। अगर यही सब चलता रहा ना तो मैं ज्यादा दिनों तक इस बात को नहीं दबा पाऊंगा। मीडिया वाले मुझसे सवाल करेंगे, फिर मुझसे उम्मीद मत रखना। चुप, फोन रख। इस सब के पीछे वो कमिश्नर है, सब उसी की चाल है भाई। तू फिक्र मत कर, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है भाई। दुनिया के सारे नल्ले इसकी तो आप उनके ही पल्ले क्यों पड़ जाते? बोल। हाँ मैं जानता हूँ, बार बार फोन करके परेशान मत कर, फोन रख। हाँ पहुंच रहा हूँ बाबूलाल। अरे 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं, चलो। सुन सुभाष। हाँ अभिमन्यु। नंबर दे रहा हूँ लिख ले। मसाला डोसा ज्यादा स्पाइसी। ए दुनिया के बोझ, क्या हो रहा है ये सब, रुकवा इसको। अरे तो न्यूज वालों का टेंशन मत ले। तो फिर गरम मुद्दा है, न्यूज वाले तो उछालेंगे, फिर जैसे ही कोई नया मुद्दा आएगा वो लोग इसे भूल जाएंगे। तू उस लपू झंगे चंदू पे बहुत भरोसा करता था ना, देखा क्या हुआ, धोखा दे दिया ना, तेरा सारा काला चिट्ठा खोल दिया, तेरी तो ऐसी की तैसी कर दी। अगर हम लोगों के खिलाफ कमिश्नर को थोड़ा भी सबूत मिल गया ना तो हम सबको जेल के अंदर जाकर तक धीनाधीन करना पड़ेगा। तेरी तो पूंगी बजेगी ही और साथ में हमारी बारात भी निकल जाएगी, चंदू के चक्कर में हम सब मरेंगे। बिल्लू का एक आदमी हाथ लगा है, अगर हम उसका मुंह खुलवा लें तो उसके जरिए बिल्लू तक पहुंच सकते हैं। ए, उस चंदू को उठा कर लाओ। ऐसे नहीं आएगा, वो कमिश्नर उसके सामने कुंडली मार के बैठा है, उसके पास जाने के लिए जिगरा चाहिए। वही है। बोल। ए कमिश्नर, बिल्लू। तेरे जैसे लोगों की जन्म कुंडली मेरे पास पहले से ही है, नाम बताने की जरूरत नहीं है। ए, उस चंदू को पकड़कर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा तू। ए, तेरे बाजू में जो बैठा है ना वो एमएलए, उसके जितने दलाली करनी है कर ले, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ए, धमकी दे रहा है, क्या कर लेगा तू? आवाज नीचे कर और ध्यान से सुन, जितनी अय्याशी करनी है ना कर ले, लेकिन जिस दिन तू मेरे हाथ लग गया ना उस दिन तुझे पता चलेगा कि ईमानदारी में कितना दम होता है, पुलिस की वर्दी में कितनी ताकत होती है, इसका अंदाजा भी तुझे तब लगेगा। बस 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उसके बाद दी एंड, क्योंकि तेरी लाइफ का आखिरी चैप्टर मैं ही लिखूंगा। ए, मेरे गिरेबान तक तेरे हाथ कभी नहीं पहुंच पाएंगे,
याद रख, नो वन कैन टच मी। ये कौन गिरा? नहीं भाई, ये वही है ना जिसको तुम ढूंढ रहे थे। इन्फॉर्मेशन निकाली है, बहुत ही कमीना आदमी है। जमीन घोटाले में नाम है इसका, 17 मर्डर किया है, 3 स्टेट में तड़ी पार। और ये भी पता चला है कि रेप केस में वांटेड है। इसके काले चिट्ठे की पोटली मेरे हाथ लग चुकी है। शाबाश। आप जिस बिल में हाथ डालने से कतरा रहे थे, मैंने उस बिल को एक बार उससे उड़ा दिया। तू जानता है ना यहाँ धोखेबाजी की सजा सिर्फ मौत। नहीं भाई, भाई छोड़ दो मुझे। गेम खलास। नहीं भाई। इसे ठिकाने लगा दे। मेरी कामयाबी का जश्न मनाइए, आइए फ्री का खाना खाइए। अबे ये हीरो कौन है? बोले तो आजकल अपने गैंग में बहुत दिख रहा है। मुझे क्यों पूछ रहे हो, बड़े भैया से तेरा पूछो। बड़ा भाई? अरे ये रहा। हैं? हाँ मेरा छोटा भाई है, पहले कुंभ के मेले में खो गया था, दूसरे मेले में वापस मिल गया। क्या बात कर रहा है, मेरी दादी तो बचपन में वहाँ गई थी, आज तक नहीं मिली। अबे खाते समय कितना शोर करता है रे, होटल में ऐसे खाएगा तो होटल वाला हकाल देगा। ऐसे खाने से जल्दी पचता है खाना। बेचारे को माँ बाप का प्यार नहीं मिला ना, इसीलिए इसकी ये हालत हो गई। इसकी जल्दी से शादी करवा दो, बीवी सब सिखा देगी। हाँ सुन, तेरी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। गुड, बहुत जल्द ही सच्चाई सामने होगी। अच्छा, अंजलि ने फोन किया था, तुझे पूछ रही थी। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। ये सब खत्म होने के बाद मैं उसे बता दूंगा आगे क्या करना है। जो भी नंबर्स दिए उनके बीच आपस में क्या बात हुई थी, उनकी डिटेल्स निकालनी है। एक बार वो हमारे हाथ लग गए तो बिल्लो बिलोरिया को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। ए बी केयरफुल, बिल्लू बहुत डेंजर है। सर पर कफन बांधकर मैं निकल चुका हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगा। अभिमन्यु हर चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है, कलयुग में भी कौरवों का सर्वनाश होकर रहेगा। नमस्कार, HMTV आपका स्वागत करता है, मैं हूँ शिल्पी। पूरे देश को दहला देने वाली बस दुर्घटना का खुलासा होने वाला है। सूत्रों के अनुसार हमें एक जानकारी मिली है, हत्या करने में किसी लोकल गुंडे का हाथ बताया जा रहा है। क्या हो गया बिल्लू? जब हमने इस केस की जांच करने वाले ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे कोई राजनीतिक मकसद था। मारे गए लोगों के परिजनों ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बिल्कुल नहीं सर, मैं रिस्क नहीं ले सकती। एडवांस पेमेंट नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं सर, बताइए मत। शिल्पी मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? अरे यार देखो ना प्रभाकर, लाइव शो छोड़कर भाग रही है। मैं पढ़ देता हूँ। तुम बनकर बीच में बोलने की आदत पड़ गई है तेरी। Come on, get lost. सर जी, जब हम हैं तो क्या आगा में ऐसे टेंशन लेना छोड़ दो, जाओ एक्सरसाइज करो। नहीं। अरे बोल दिया ना, टेंशन मत लो, जाओ अभी। रेडी हो ना? नमस्ते, मेरा नाम है प्रभाकर और HMTV पे आप लोगों का स्वागत है। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात, ताज होटल पर अटैक, पाकिस्तान को चेतावनी, न्यूजीलैंड को हरा के धोनी ने वर्ल्ड कप जीता। दिल्ली में गर्मी के मौसम में भी ओले पड़े, लोगों ने कहा ओले ओले। अरे तुम दोनों कहाँ चले? करम जले तो यहाँ से फुट ले। अब मुख्य समाचार, अगर पाकिस्तान ने आतंक नहीं रोका तो चप्पल मारूंगा। चपड़ गंजू दूर हट। ठीक ऐसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान को चुनौती देके कहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और कप इंडिया जीत गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अरे कमला बंद कर हमला। अरे ये भी निकल ले। कहाँ गई कमला? बस घर ड्रॉप करने गए। ड्रॉप करने गए या उड़ाने? तू क्या हाथ साफ कर रहा था? नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाने दे सर, वो शो लाइव है। हाँ। hey! क्या है बे? तेरा बॉस कौन है, उसको बुला। खामोश, पहले बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ बिना पूछे अंदर कैसे चले आए? ये बिल्लू बिलोरिया क्या आदमी? कौन सा बिलोरिया है वो? आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ दिस चैनल। कौन है रे ये चिरकुट? hey, हमसे पूछ तू, उससे क्या पूछ रहा है? आधार कार्ड बनाने वाला है तू? मुझको जानता नहीं बचवा। बिल्लू बिलोरी अगर हमारे सामने आए ना तो उसे कब्र में लिटा दूंगा। अच्छा। समझा मुन्ना? अबे हाल हटा, कंट्रोल। ये तू पीछे हट।
मैं तो मजाक कर रहा था। क्यों रे, तुझे मेरी खबर के अलावा और कोई खबर नहीं मिलती क्या? मैं नहीं था जी। अब क्या हुआ रे जिंगूर, भाई को कबर में लेटाना? अरे तू चुप बैठ रे, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो तू मेरी कबर खोदने के पीछे पड़ा हुआ? सर हमको अपनी मरी हुई दादी की कसम, नहीं पता था कि बिल्लू बिलोरिया आप है, इसको घुमा मत, हमको चक्कर आ रहे हैं। क्या अगर गलती से चल गई तो हमारा नाम नाम। भाई ये जिंगूर बहुत चालू है, आप दुनिया को चूना लगाते हो या आपको चूना लगा रहा है? मैं जोश में होश खो बैठा था। चल बता, न्यूज बार बार क्यों दिखा रहा है? कौन कौन है तेरी टीम में, उनका नाम और एड्रेस बता। टीम नहीं है सर, हम ही वन मैन शो है। फिर हमने उसकी चुम्मी ले ली। अच्छा? पता है वो मेरी दीवानी हो गई। अभिमन्यु, अरे बापरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन है आप? अरे मैं प्रभाकर, तुम्हारा क्रिएटिव डायरेक्टर। प्रभाकर, ये झंडू कौन है? भांडा फूट जाएगा, कुछ कर। ए, मेरा छोटा भाई पवन फ्रॉम कुंभ का मेला। ओ, अब समझा मुझसे बदला लेने के लिए तूने ये जाल बिछाया है। हाँ? ए, चुपचाप अपनी टीम के लोगों का नाम बता। भैया जी ठोक डालो इसको। ठोक दो हमको, सुने बिल्लू भाई ठोक दो। ए, इसको ले जाके अंदर डाल दो। सुने, अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो छे की छे उतार दूंगा। नहीं जाऊंगा, अब तो इस ससुरे का सच जानने के बाद ही मैं जाऊंगा। अब अगर यहाँ से भगाएंगे तो भी नहीं जाऊंगा सर, बिल्कुल नहीं। मेरे खाने पीने की चिंता मत कीजिए, मैं पानी पे जी लूंगा सर। अबे चल। ए, चुप टकले। ए, बात यह सर, आप मुझे डांटे मारे वो सब चलेगा, पर सिद्धि चोर से बात नहीं खा सकते। आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर नॉट अ फूल। उगलवा इसे। अपनी हद मार रहा है बटले, समझे? अरे अभिमन्यु, कुछ तो झोल है। अबे तेरा किडनैप हुआ है, पिकनिक पर नहीं आया है? अबे फुकट में आ रही है, तू भी देख के मजा ले। जी ये शॉट गलत है। अच्छा, पिक्चर के बारे में बहुत जानता है? और नहीं तो क्या, तेरी चड्डी में फूल खिल रहे थे, हम पिक्चर बना रहे थे। वो बलवान कपूर, उसको तो जानते ही होगे, उसको हीरो हमने बनाया। वो टिक टिक भूषण जादू वाला हीरो, वो मेरे आगे पीछे घूमता था लेकिन हम उसे भाव नहीं देते थे। बाद में उसके बारे में सोचा। इन सब का करियर हमने बनाया बच्चों। क्या टकले, कुछ बताया क्या? अरे क्या खाली फेंकता है, बोल रहा है सबको हीरो बनाया। क्या रे, आप उनको हीरो बना सकता है? सच बोलूं तो आप ये काम नहीं कर सकते सर, आप हीरो से ऊपर है सर। नहीं आपके सामने आजकल की कोई हीरोइन जचेगी नहीं, लेकिन आपका भाई काम आ सकता है सर। ये परफेक्ट हीरो मटेरियल है, इसका फ्यूचर ब्राइट है, पर्दे पे आएगा तो पर्दा फाड़ देगा। क्या रे छोटे, बनेगा हीरो? भैया जी किस बुड़बक की बात में आ गए? ये सांड भी काम कर सकता है हीरो के लिए। नहीं नहीं, साडिस्ट का, रेपिस्ट का, टेररिस्ट का। चल ना बिल्लू, लेट हो रहा है। ये नमूना कौन है? इसको पेंट मार देंगे ना, हैंडसम जोकर लगेगा। और तुम बहुत डगली लग रहे हो, मेरी सुंदरता के बारे में बात मत करो, काट लो। Ah!
का सीडी ले आया लगा। अब देखता हूँ कैसे ब्लैकमेल करता है हमें। देखो अरे बहुत पापड़ बेले मैंने उसके लिए। तुम बेवकूफ हो सकते हो पर मैं नहीं। उसे पाने का सपना छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी अभी अलीबाग से आया हूँ? तुम्हारे कहने पर मैं वो सबूत तुम्हारे हवाले कर दूँ। अरे मैंने उसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। उसका सपना देखना छोड़ दो। यारे खा गया ना चक्कर। अबे ढक्कन तू जिस स्कूल में पढ़ता था ना उसके प्रिंसिपल मेरे से ट्यूशन लेते थे। तुझे क्या लगा मैं सो गया? अबे मैं केमिस्ट की दुकान हूँ 24 घंटे ओपन। आइंदा जगाया ना तो तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। जन्म कुंडली निकाले नहीं, 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 नहीं। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता ना मुंह पे कुंडी लगा लेना। मुसीबत है यार। डाला मत भूलियो। हाँ ऑफ कर टीवी ऑफ कर। हाँ करता हूँ। नहीं मैं नहीं लूंगा। पकड़। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। उन लोगों ने मम्मी पापा को छीन लिया मुझसे। उस दिन मैंने मम्मी पापा को घर छोड़ने के लिए बस में बिठाया था लेकिन घर पहुंचने के बजाय वो हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या हुआ पापा को? उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। पापा वो लोग अंदर हैं, जाके मिल ले। खुद को संभाल बेटा, मेरे जाने का समय अब आ गया है। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। देख बेटा, कोई भी किसी का जिंदगी भर साथ नहीं निभा सकता, कभी तो साथ छोड़ना ही पड़ता। ऐसा मत कहिए पापा। तेरे साथ मेरा साथ यहीं तक था। मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसी बात मत कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। सोचा था धूमधाम से तेरी शादी करूंगा, अपने पोते पोतियों के साथ खेलूंगा मैं, पर सब खत्म हो गया। आपके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा पापा। जो दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ता है। नहीं पापा। अपना ख्याल रखना बेटा, वहां जो कुछ भी हुआ वो मैंने देखा। आप वो सब बातें छोड़िए पापा। मुझे पता है बेटा, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है, मगर लड़ाई झगड़ा मत क्या कर बेटा, वो ठीक नहीं होता। जितनी हिम्मत मुझ में थी तेरी माँ में उतनी हिम्मत नहीं थी। वो एक माँ है ना बेटा, वो तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए तेरे आने से पहले ही वो आंखें खोलो। अभी मनु अभी माँ को
मुझे एक वादा कर मेरे बच्चे। बोलिए पापा। जहां भी रहोगे खुशी से जियोगे। आपके बिना कैसे जिए? मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मेरी ये इच्छा पूरी करना। मैं अब जा रहा हूँ बच्चे। नहीं पापा। वादा कर, वादा कर बेटा, तू हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा। बेटा वादा कर मुझसे। ये सब क्या हो गया? वादा कर। नहीं। करना कृष्ण मूर्ति, फादर ऑफ, फादर ऑफ, अभी मन। पापा, पापा, माँ, माँ, पापा, पापा, अगले दिन सुभाष घर पर आया। उसने बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि बिल्लू बिलोरिया के आदमियों ने उस बस को जलाया था। वो किसी को मारना चाहता था जो बस के अंदर था। बिल्लू को पॉलिटिशियंस, एमएलए सबका सपोर्ट है, उसका सामना करना आसान नहीं है। इसीलिए पवन बनकर उसके गिरोह में मैं शामिल हो गया। मम्मी पापा को तो पहले ही खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। उन्हें नहीं पता कि मैं रिपोर्टर हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो तुम्हें भी जान से मार देंगे, इसलिए तुमसे दूर रहा। पिछले 2 महीनों में हमने इन गैंग्स की सारी डिटेल्स ले ली हैं, उनकी सारी खुफिया जानकारी, उनके सारे काले कारनामों का काला चिट्ठा टेप के अंदर बंद है। बहुत जल्द उन सब का खेल खत्म समझो। हाँ बिल्लू बोल। कल वो फाइल के साथ सीएम से मिलने वाला है। उसके पहले वो चंदू के पास जाएगा। जब वो सीएम के पास जाने के लिए बस में चढ़ेगा, उसका गेम बचा देंगे। बस को चलाने वाला अपना आदमी होगा। एसवी चौक तक पहुंचते ही बस में आग लगा देंगे। वैसे भी उस एरिया का पुलिस ऑफिसर अपना ही पंटर है। बस जलने के बाद वो बहाना बनाएगा शॉर्ट सर्किट का, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। फिर कुछ ही दिनों में मामला ठंडा पड़ जाएगा और हम लोग सेफ। चाहे जितने लोग मरे मरने दे, बस वो जिंदा ना बचे। अभिमन्यु, ए, अब बिल्लो को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। उसके बारे में सब पता चल गया है। हम सारे सबूत पुलिस को दे देते हैं, बाकी सब पुलिस संभाल लेगी। तू बेकार में टेंशन मत ले। कैसे टेंशन ना ले? मम्मी और पापा के कातिल खुले आम घूम रहे हैं और तुम कह रहे हो कि टेंशन ना लूं? उस चलती बस में कितने मासूमों की जान चली गई और तुम कहते हो टेंशन ना लूं? अभिमन्यु मेरी बात सुनो, उनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत है, हम पुलिस को जाकर दे देंगे। तुम कानून को अपने हाथों में मत लो, बात समझने की कोशिश करो, वो लोग खतरनाक है। हाँ यार, अगर तुझे कुछ हो गया तो। ये एमएलए पॉलिटिशियन पुलिस सब के सब बिकाऊ है, अगर उसे पकड़ भी लिया तो वो आसानी से छूट जाएगा। उसको सजा मिलनी चाहिए और वो मैं दूंगा। कुछ मत कहो, कानून अंधा होता है, बेगुनाह लपेटे जाते हैं। कानून की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बेगुनाह और मासूमों की चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। कुछ कायदे कानून दम तोड़ चुके हैं, लेकिन आज तक हम उन्हें ढो रहे हैं, कौन बदलेगा उन्हें? शुरू उसने किया, खत्म मैं करूंगा। सुन, आज वो सब होम मिनिस्टर के रिसोर्ट पर मिलेंगे अगले प्लान के लिए। मैं वहीं जा रहा हूं, तैयार रहना। अंजलि, अगर इस धर्म युद्ध में मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे अपनी यादों से मिटा देना। तेरे लिए मैंने पूरी सेटिंग कर ली है, अब तू ललन सेठ बनने वाला है। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, माल ढीला कर, जो पैसा लाया है दे दे। हे मनोज, पैसा तिजोरी में डाल दे। अचानक ये कहां से टपक पड़ा? जल्दी माल छुपा। क्या हीरो अचानक यहाँ? बात करनी थी, चलो अंदर। अरे कुछ खास दोस्त आया है, जरूरी बात करनी है, तू अंदर जाके बैठना। बुलाना। चलो। खास आदमी है, जरूरी बात होगी तभी यहाँ आया है, बाकी मीटिंग बाद में। हाँ मुन्ना बोल, अचानक इधर काहे को आया? फिल्म दिखाने लाए हैं। अच्छा? भड़कता भड़कता नजारा है, देख कर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, हीरो कौन है?
अभी पता चल जाएगा। अरे बाहर ही बोलने का था ना, खाली फोकट उनको भगा दिया। वो लोग आते साथ में देखते, मजा आता। हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। एमएलए बाबूलाल ने हमसे ये काम करवाया, हमें माफ कर दो। एमएलए बाबूलाल ने इस काम के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए दिए थे। क्या चाहिए तुझे? मेरे मम्मी पापा, उनके साथ गई हुई 40 लोगों की जाने, मम्मी पापा को खोने के बाद खोई हुई नींद और दिन रात आंखों से बहने वाले आंसू, देगा वापस? दे सकता है वापस? अगर तुम नहीं चाहते हो कि कल 40 लोग शमशान तक तुम्हें छोड़ने आए तो यहां से चले जाओ। आउट आउट। हेलो बिल्लू। एमएलए और उसके आदमियों की 5 मिनट में यमराज के पास विदाई हो रही है। कौन है रे तू? तूने जिस बस में आग लगाई थी उस आग में मम्मी पापा को खोने वाला अनाथ हूँ मैं। अभिमन्यु, शेरों का शेर करता हूँ ठेर। जब पूरा शहर ही अपना है तो पुराना क्या और नया क्या, कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिस तरह पहली बार पंचिंग बैग को पंच मारकर फाड़ डाला था, उसी तरह तुझे भी फाड़ूंगा। क्रिएटिविटी में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। एक दिन हम भी टाइटैनिक से बड़ी फिल्म बनाएंगे। मुझे वेटर का रोल दोगे? नहीं चपड़ गज्जू। वैसे मेरी मदद करेगा ना? तो रातों रात मैं तुझे टॉप से टॉप से टॉप का हीरो बना के रख दूंगा। सर जी, अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कोई कांड तो नहीं हो गया? ओए आवाज थोड़ी नीचे रख, हम अपने अभिमन्यु के कारण यहाँ पे रुके हैं। रुक जा, गोली महंगी हो गई है, मुझ पे चला के जाया मत कर। जा जा बेटा। हा? अंदर चल के लूडो खेलते हैं, चल। हेलो कमिश्नर, बिल्लू बिलोरिया और एमएलए आधे घंटे में मरने वाले हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, मैं क्या करने वाला हूँ वो मैटर करता है। डोंट बी लेट। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। तुम सबको एक खुला ऑफर है, जो जीना चाहता है यहाँ से निकल जाए। अगर इसकी वफादारी करोगे तो मरोगे। Yeah.
ये दरवाजे की कुंडी नहीं, तेरे जिंदगी की कुंडी है। खोल लिया तो जी गया, और अगर नहीं खोल पाया तो यहीं तेरी कब्र बनेगी। अब तू ही डिसाइड कर बिल्लू, जिंदा दफन होना पसंद करेगा या तुझे मार कर दफन करूं? हंसले अपने आप पे, क्योंकि तेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं। क्या हुआ रे बिल्लू, नहीं उठेगा? कहाँ गई तेरी पावर, तेरा रुतबा, तेरे आदमी? सब छोड़ गए ना तुझको अकेला? क्यों? ये सब क्या है? वो जानवर इस देश का गद्दार था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये रहा सबूत, इसके और इसके आदमियों के सारे काले कारनामे इसके अंदर मौजूद हैं। और वो एमएलए? बस का सफर कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट हुआ और राख हो गए। और होम मिनिस्टर विजयकांत? बदकिस्मती से वो भी उसी बस में सफर कर रहे थे। देश के गद्दारों को मिटाने का काम सिर्फ पुलिस वालों का नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो इस देश से प्यार करता है। सुनो, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, क्विक। हमें खबर मिली कि बिल्लू बिल्लोरिया का गैंग यहाँ पर है। हमने सरेंडर करने को कहा तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और ये लोग मारे गए। बैड लक ये है कि होम मिनिस्टर और एमएलए भी साथ साथ मारे गए। यहाँ जो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में कमिश्नर कमेंट्री दे रहे हैं। अरे इस मूवी का हीरो तू है वो। प्रिय दर्शक, आज हम अपने चैनल पर आप सभी के सामने एक ढिंचक न्यूज देने वाले हैं। हम अंजलि नाम की लड़की से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी उसके साथ साथ फेरे लेने वाले हैं। कमला से बेर्जो। तो ये चोट कैसे लगी? दुश्मनों का सामना करते वक्त महान लोगों ने अपनी जान तक गवा दी है, छोटी मोटी खरोच है। बात हजम नहीं हुई। मेरी शादी में आने का इनविटेशन आप सभी को है, साथ में एक बड़ा सा गिफ्ट लाना और पेट भर के खाना। हम जाके हनीमून की टिकटें बुक कर लेते हैं। क्या बच्चू, मम्मी का ध्यान रख रहे हो ना? कैसी है मम्मी? मम्मी जी फोन लीजिए। पता है मुन्ना तुमको कितना याद करता है। अच्छा, और नहीं तो क्या, हमेशा तुम्हारे लिए रोता रहता है। आई एम मिसिंग यू। अब मेरी याद आती है? बहुत याद आती है। ये बताओ घर कब आ रहे हो? तो दूसरे की प्लानिंग करें हैं, कल की फ्लाइट की टिकटें अवेलेबल हैं। तुम्हारे लिए खट्टे आम का अचार लाए। आम का अचार क्यों? अच्छी बच्ची, मिलने को तरसती हो फिर भी हम पर बरसती हो। फोन रखो, बाय। ए मुन्ना तुम कहाँ जा रहे हो? अरे अरे अरे, मम्मा पास आ जाओ। हाँ।
अबे हो अभी बनी हो। देख हर बार चिल्लाया मत कर, अभी तो एक गाल पे पड़ी है, दूसरा भी सुझा देंगे। अगर ये काम नहीं जमता है तो कारपेंट्री कर। अब तेरे पेट में जितनी भी गैस भरी है ना बाहर निकाल दूंगा। चाचा कहीं ये मुझे तो नहीं बोल रहा है, है? आपने बुलाया सर? ये बताओ लास्ट रेसिपी में कमला से क्या बनवाया था? करेले का हलवा बनाया था। किसने कहा था तुमसे? I don't like this। कमला 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 जी ने, तूने चक्कर देखा? उन्होंने चखाया था। तुझे पूछना चाहिए था चकनी से पहले मुझसे। पहली बार माफ कर देता हूँ बच्चों, बाद में नहीं करूंगा। देख लिया सर, हम नहीं होते तो ये चूजे सब गुड़गोबर ही कर देते। कितनी बार कहा है कि हमसे बदतमीजी मत कर, लात मारूंगा तो झुमरी तलैया पहुँच जाएगा। चले कल काम हो जाएगा सर।